पोपट जे रंगन जिया खूबसूरत प्रोग्राम सलाम सिंध जै में हुंदा आवां जा मन घुरिया मेहमान इन प्रोग्राम में हुंदा कुछ खास मेहमान जिन सा तहां लाइव कॉल से जरिए गलाए सको ता आई उन सा गडो कर हुंदियूं आजकल जे फैशन जो गालियूं हेल्थ टिप्स आई मौसीकी जी महफिल सुबुह साजिर सिंध टीवी जे बेहतरीन आई सरमोड़ प्रोग्राम सलाम सिंध सा गड मां तवां जी मेज़बान सहर शरजवी सलाम सिंध में मां हुंदस तहां सा गड मंडे टू फ्राइडे सुबुह 9 वगे का 11 वगे तक तो पोए निसरण न विसारींदा सलाम सिंध खुश रहो आबाद रहो सलामत रहो इन दुआ सा जसा प्रोग्राम जो आगाज करनासी भलारी बूंजे हर शहर हर नगर हर गोठ हर गाम मुल्का मुल्क डे पडे जिथे जिथे बसा जो आवाज बुधो पे वने जिथे जिथे बसा जो अक्स नजर अची रहयो है उनन सबिन दिसन वारन मौजिन नाजरीन के उनन सबिन मौजिस समयन के असा अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग चनासी है वेरी वेरी गुड मॉर्निंग चनासी उम्मीद कयूं था तो ता खुश आबाद है सलामत हुंदो पने पने घरन में पने पने प्यारन सा ए असा जी गाल बोल अज जका वो मुख्तलिफ शयन ते अज हलदी अज जको प्रोग्राम है ले खास ता के बुधाइंदी ला ए यो बुधाइंदी ला के अज असा सगत कुछ आर्टिस्ट हुंदा कुछ सिंगर्स हुंदा कुछ म्यूजिशियंस हुंदा जके असाजे प्रोग्राम में जो प्रोग्राम जो मजो है वो अना वधाईंदा है उन से गडो गड ताके बुधाई असाजी जका गुफ्तगू है वो असाजी कुछ डॉक्टर से गुफ्तगू हलंदी असावट जो पाकिस्तान में स्टिल कुछ अड़ी शयूं इन बीमारियों इन जके अना हली रहियूं इन जिन्हन जो अज ताई को इलाज इलाज नाहे थी सको या इलाज थियण घुर्जे हाँ थे शुरू थो है तक बुधा कि अज वर्ल्ड पोलियो डे है जो इंटरनेशनली मल्हायो वे पो है असाजी भी कोशिश होंगी कि अस उन्हें अगेंस्ट थोड़ा अड़ो कम कर सूँ या अड़ी अड़ो को डॉक्टर घुराए जैसे अस गुफ्तगू करूँ तहे भी कुछ सीख ला मिले असा कुछ सीख के लिए मिले पहले कलाक में उ डॉक्टर साहब असो जिन्हें असि गोल पोलियो के हवा से हल्दी कि कड़ी प्रिकॉशंस कड़ी शूं जिन से पोलियो रोके सूँ था उनको इलाज कें मुमकिन है उनको रेशो असट तक बुधाई हल कि पाकिस्तान दुनिया में बे नंबर से उ कंट्री है जैमें पोलियो जो असर है अना ती अस मौजूद अना अस नजर अचे तो या अं तीन बीमारी जो है पाकिस्तान में मौजूद है बाकी जो कंट्रीज उन्होंने ओवरकम कर चुका मू उन या डॉक्टर्स उनके ओवरकम कर खत्म कर चुका तक बुधा कि बो जो अस आवर हों में असट जो डॉक्टर उनकी गाल बोल चिकन गुनिया से असा गाली चिकन गुनिया में तक खबर है कि खतरनाक बीमारी है अजकल अस पाकिस्तान में केतरी आम है वो बार वन ती सभी में आम अस नजर अचे थी उन्हें बारे में ाली उन बारे में प्रिकॉशंस अस उन हवा से ाल तक थोड़ी घड़ी सिख्या ींदी पा भी सीखी कि कड़े तरीके से अस ओवरकम असूँ था उनके तक बुधाई हल कि एकड़ी अफसोसनाक गाल अड़ो सिंध जो अड़ो आर्टिस्ट जे इलाही लेजेंड आर्टिस्ट जे इलाही सिंध के लिए वतन के लिए इलाही कम कयो इलाही सिंधी उर्दू पश्तो बलोची ड्रामन मूवीज़ में असा के इंग्लिश इवन मूवीज़ में असा के उनन जो जेको लेजेंडरी रोल्स हैं असा के उहे हमेशा नजर आया है उहे मां तांके बुधायां के शहबाज दुरानी साहब उनन जो जेको उहे लाड़ाणू करे विया आइन उनन जे बारे में अज असा एकड़ो पैकेज नंढड़ो तैयार कयो तांके उहो ॾेखारींदासीं पहिरीं तांके उनन जे बारे में जेको पैकेज है उहो ॾेखारियूं था उन खां बाद जेको है वापस अची असांजी गुफ्तगू जारी है सारी हल्दी हलूं था पैकेज तरफ सिंध जी सरजमीन ते तमाम घट अड़न अदाकारन जन्म वरतो आहे जेकी हिक ही वक्त टीवी फिल्म रेडियो ए स्टेज ते हिक जेतरो मकबूल हुजन ऐं अड़ा अदाकार पिण आंगुरियुन ते ॻण जेतरा हूंदा जेकी सिंधीअ सां गॾु ॿियनि ॿोलियुनि में पिण परफॉर्म करे सिंध ऐं सिंधी ॿोलीअ जो नालो पाकिस्तान सां गॾु पूरी दुनिया में रोशन कंदा हुजनि शोबिस जी हिन फील्ड में जेकॾहिं अहिड़नि अदाकारनि जी छंड छाण कई वेंदी त शहबाज़ दुरानीअ जो नालो ज़हन जे पर्दे ते सभ खां अव्वल ऐं वाज़िह तौरु तरी अचे थो शहबाज़ दुरानी सिंधी मीडिया जो
उहो यगानो फनकार हो जै एक ही वक्त सिंधी उर्दू पंजाबी पश्तो सिराकी अंग्रेजी बोली जे फिल्मन ड्रामन में कम कयो। शहबाज दुरानी पांजे फिल्मी कैरियर जो आगाज 1968 में ठहंदड़ सिंधी फिल्म रंग महल खां कयो। जै फिल्म में संदस मध्य मुकाबिल महपारा रशीद हामिरानी पिण कास्ट में शामिल हुआ। पाकिस्तान जी पेरिंग पश्तो फिल्म यूसुफ खान शेरबानो में पिण शहबाज दुरानी के कम करण जो एजाज हासिल है। इन फिल्म जी बी कास्ट में बदर मुनीर यास्मीन खान नेमत सरहदी पिण शामिल आहिन। शहबाज दुरानी साहब जो शुमार पाकिस्तान मीडिया जे उन्हन कुछ गणल चूंडल अदाकारन मां थे तो जेकी मीडिया जे उन्हन खास कमन लाए चूंडिया विंदा आहिन जेकी बेन खां मुख्तलिफ मुनफरद कम करण जी सलाहियत रखंदा हुजन। 1999 में जडें बरतानिया पाकिस्तान टेलीविजन जे सहकार सां ट्रैफिक जे नाले सां एक अंग्रेजी टीवी सीरीज ठाही, उन में पिण शहबाज दुरानी एक अहम किरदार निभायो। उन सीरीज में शहबाज दुरानी खां सवाए तलत हुसैन जमाल शाह फरियाल गोहर लतीफ कबाडिया राहत काजमी जड़ा पीटीवी जा मनल अदाकार पिण शामिल हुआ। उन खां सवाए दहलवी फिल्म्स प्रोडक्शंस जी अंग्रेजी फिल्म जिनाह में शहबाज दुरानी खान अब्दुल गफ़ार खान जो किरदार अदा कयो जेको पिण एक एजाज़ खां घट नाहे। शहबाज दुरानी फिल्मुन में तमाम घट चूंड कम कयो। उन पांजे कैरियर में कुल 35 फिल्मन में कम कयो पर उहे सब फिल्मू पांजो मट पाण आहिन जिन में रंगमहल दुश्मन जानू धाड़ेल जलाल चांडियो परू चांडियो गैरत जो सवाल जहां बर्फ गिरती है तलाश हांगकांग के शोले टीना यूसुफ खान शेरबानो आखिरी गोली काबिले जिक्र आहिन। टेलीविजन ते शहबाज दुरानी के अब्दुल करीम बलोच साहब मुतारफ करायो टेलीविजन जे सभी आला पाए जे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स सा कम कयो। पाकिस्तान टेलीविजन ते दुरानी साहब जे यादगार ड्रामन में रानी जी कहानी दीवारें शामिल आहिन। शहबाज दुरानी पांजे मुनफरद शख्सियत बेहतरीन अदाकारी सा पांजो अलग मकाम बनाए रखियो जेको प्राइवेट टीवी चैनलन ते पिण बरकरार रखियो। उन हर मयारी कम जी चूंड पांजो स्क्रिप्ट पाण पढ़ण खां पोइ कई। सिंध टीवी समेत शहबाज दुरानी सभिनी सिंधी प्राइवेट टीवी चैनल्स ते कम कयो। टेलीफिल्म गुलाम मुस्तफ़ा बारूद जी जंग सां गॾु ड्रामा सीरियल रानी वारिस प्यासी धरती मंजलूं मुसाफिर समेत सोप ड्रामा सीरियल्स दुश्मन दुआ शांति सिंध टीवी जा उहे ड्रामा आहिन जिन में शहबाज दुरानी यादगार परफॉर्मेंस जो मुजाहिरो कयो आहे। शहबाज दुरानी के सिंध टीवी लाइफ टाइम अचीवमेंट एवार्ड सिंध एक्सीलेंस एवार्ड पश्तो ड्रामा बेस्ट एक्टर एवार्ड सां गॾु अनेक एजाज एवार्ड मिली चुका आहिन। कुछ अरसो बीमार रहण खां पोइ 21 अक्टूबर 2017 ते ही यगानो अदाकार शहबाज दुरानी असां खां हमेशा हमेशा लाइ विछड़ी वयो। पर जेसी ताईं इन शोबिज़ जी चमक दमक वारी दुनिया में लाइट्स कैमरा एक्शन जो आवाज़ गूंजंदो रहंदो तेसी ताईं हिन अज़ीम अदाकार जो नालो ज़िंदा रहंदो। जी नाजरीन असां पैकेज ॾिठो लेजेंडरी जेके आर्टिस्ट आहिनि शहबाज दुरानी उन्हनि जे हवाले सां हिकिड़ी नंढड़ी जेको उन्हनि जो पैकेज आहे उन्हनि जी जेका जर्नी आहे इलाही वॾी आहे। उन्हनि सिंध टीवी जे लाइ इलाही कमु कयो आहे। सिंधी ड्रामा मां तव्हांखे ॿुधायमि पश्तो इवन इंग्लिश ड्रामनि में उन्हनि कमु मूवीज़ में उन्हनि कमु कयो आहे। जिना जहिड़ी मूवीज़ में असांखे नज़र आया ऐं अहिड़ियूं मूवीज़ जेके तारीख़ी मूवीज़ आहिनि या अहिड़ियूं अहिड़ा करेक्टर उन्हनि प्ले कया आहिनि या अहिड़ा करेक्टर उन्हनि अदा कया आहिनि जेके असांखे अॼु ताईं यादि आहिनि ऐं हमेशह असांखे यादि रहंदा। अहिड़ा जेके आर्टिस्ट आहिनि असांजे मुल्क जो सरमायो
आहिनि हूंदा आहिनि जेके भले हलिया बि वञनि, पोइ बि उन्हनि जो जेको कमु आहे उनजे ज़रिए असां उन्हनि खे यादि कंदा रहंदा आहियूं, या इंटरनेशनली पाकिस्तान या असांजे वतन जो जेको इमेज आहे उहो सॉफ्ट इमेज क्रिएट करे छॾंदा आहिनि या अहिड़ो ठाहे छॾंदा आहिनि की सोचण ते मजबूर थी वञनि माण्हू खे पाकिस्तान जहिड़े मुल्क में जंहिंखे इंटरनेशनली एतिरो घणो नाहे सराहियो वेंदो, या ईअं नाहे सम्झो वेंदो की हिते आर्टिस्ट में इंटरनेशनली असांजो जेको इमेज एतिरो सुठो नाहे, पर उहे अहिड़ा आर्टिस्ट जेके आहिनि उहे असांजो जेको इमेज आहिनि उहो ॾाढो सॉफ्ट ऐं सुठो करे प्रेज़ेंट कंदा आहिनि, ऐं उन सां छा थींदो आहे की असां माण्हू सोचण ते मजबूर थी वेंदा आहिनि की पाकिस्तान में एॾा बहितरीन जेके आर्टिस्ट आहिनि उहे बि रहंदा। तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां की असां सां गॾु कुझु अॼु सिंगर्स बि मौजूदु आहिनि, कुझु म्यूज़िशियन मौजूदु आहिनि, उन्हनि जो जेको सूफ़ी सिंगर असां सां गॾु मौजूदु आहिनि उन्हनि जो जेको तारुफ़ आहे उहो, उन खां सवाइ असांजो प्रोग्राम अॼु जेको उहो इनकम्प्लीट आहे। तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां की असां सां गॾु आशिक अली भाउ मौजूदु आहिनि, सिंगर आहिनि, अस्सलामु अलैकुम। ऐं तव्हांखे ॿुधायां की असां सां गॾु बख़्त अली सिंगर आहिनि, हीअ बि मौजूदु आहिनि, अस्सलामु अलैकुम। भाउ तव्हां ख़ुशि हुयो? हा जी बिल्कुलु। ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां की असां सां गॾु ॿिया कुझु म्यूज़िशियन बि मौजूदु आहिनि, उन्हनि जो तारुफ़ बि कराईंदी हलां। ग़ुलाम क़ादिर ढोलक ते अॼु असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, ऐं इन सां गॾु हिकिड़ो ॿियो बि बेंजो ते असां सां गॾु अनवर हांजाणू साहबु मौजूदु आहिनि। इन्हनि सभिनि खे असां वेलकम चवंदासीं पंहिंजे प्रोग्राम में। तव्हांखे ॿुधायां की उस्ताद मुहरम नाज़ असांजे म्यूज़िक डायरेक्टर बि असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, उन्हनि खे बि असां वेलकम चवंदासीं, ऐं तव्हां सभिनि खे बि असां वेलकम चवंदासीं। पर तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां की असांजी गुफ़्तगु जेका आहे उहा असां इनखे अॻियां वधाईंदासीं, अॻियां असां ॻाल्हि ॿोल्हि हिन ते कंदा रहंदासीं, पर हिते जेको टाइम में नंढड़े ब्रेक जो थियो, असां ब्रेक ते वञूं था, वापसि अचो था, असां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। कार चवंदासीं हिकु दफ़ा ॿीहर तव्हांखे तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में, ऐं तव्हांखे ॿुधायां की अॼु मां तव्हांखे ॿुधायमि की अॼु इंटरनेशनल पोलियो डे मल्हायो पियो वञे, असांजी गुफ़्तगु उन ते हलंदी। मां तव्हांखे इंट्रोडक्शन ॾींदी हलां हिकिड़ी पर्सनैलिटी असां सां गॾु आहे उन्हनि जो, असांजी जेका गुफ़्तगु आहे उन्हनि सां अॼु हलंदी पोलियो जे हवाले सां। तव्हां असांखां लाइव कॉल जे ज़रिए जुड़ी सघो था, पुछी सघो था जेके बि तव्हांजी क्वेरीज़ सवाल हुजनि असां पुछंदासीं। मां इंट्रोडक्शन ॾींदी हलां, असां सां गॾु डॉक्टर अली हसन ॾाहिरी साहबु मौजूदु आहिनि। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहबु। डॉक्टर साहबु तव्हां ठीकु आहियो? मां बिल्कुलु ठीकु आहियां, तव्हां ॿुधायो, ख़ुशि आहियो? मां अलहमदिल्ला बिल्कुलु ठीकु ठाकु आहियां। असांजी जेका ॻाल्हि ॿोल्हि आहे उहा हलंदी, मुख़्तलिफ़ शयूं आहिनि जेके मां तव्हांखां पुछणु चाहियां पई, जेके पब्लिक आहे उहा बि तव्हांखां पुछणु चाहींदी हूंदी, या उहे बि कॉल्स करे तव्हांखां सवाल पुछंदा। मां हिते चाहियां पई की असां हिकिड़ो गाने जी तरफ़ हलूं, हिकिड़ो सूफ़ी कलाम सां असां आगाज़ करियूं प्रोग्राम जो। बिल्कुलु शुरू कयो भाउ, तव्हां असांखे छा ॿुधाईंदो वक़्त? भाउ तव्हां छा ॿुधाईंदव? जी कसीदो आहे मौला अली इस्लाम जो, शुरूआत में उहो ॿुधाईंदो। बसि तव्हां उन सां शुरू कयो। तुझे कदमल में कायनात सजी, तुझे कदमन में कायनात सजी, तू फातिह खैबर याली, तो नबियन जी कई मदद मारा, तो नबियन जी कई मदद मारा, तू है दरो सफ दरियाली, शेख फयाज भी तुझो आहे सना गयाली, शेरे खुदा थियाए असदुल्लाह तू आही, ला फता इल्ला अली सैफुल्लाह तू आही, तू शेख फयाज जी शेख फयाज दी कर मदद मौला, इन शेख फयाज दी कर मदद मौला, तू मुश्किल खुशा मौला तू आही, मुझे मौला जा दीवाना जन्नत वेठा विरान था, मुझे मौला जा दीवाना जन्नत वेठा विरान था, के बाल के लती
लतीफ तके के लाल के लतीफ तके बहलूल प्या सदाइल था मुझे मौला जा दीवाना जन्नत वेठा विराइल था मुझे मौला जा दीवाना जन्नत वेठा विराइल था गिड़ू मिट्टी अचूठा है ओ कावे ही दियल था जन्नत वठन वाला तवक्कल करे वठन था गिड़ू मिट्टी अचूठा है ओ कावे ही दियल था जन्नत वठन पंजतन जेड़े शफाज तेहरी नबी गलिया जन्नत पंजी जठाई पंजतन जे दर हलिया पंजतन जेड़े शफाज तेहरी नबी गलिया आस आए हकीकत वो है जो पंजन बारह चोरन के दर के झुकिया उन्होंने वंट जरूर मिलो
सही उ सखी दरा जो को हिन दर मा दुश्मन बखाली कोन वेवा सही बेशक डॉक्टर साहब म ता का इले सारा सवाल जे के पुछन चाहे भी सबका असन के जे के मानु रिसन पे आता उनन के थोरो अवेयर करन जे ले थोरो बुधायो के पोलियो छा है छो थिनो है उनके ओवरकम की कजे असन जे को रेशो है वो थोरो ता बयान कयो करंट जे का सिचुएशन है सुबह सुबह जो टाइम आ चवन ते जे के सुठी खबर सा शुरुआत कजे तो सजो दिन सुठो गुजरंदो जी हिन वक्त जेका करंट पोजीशन आहे 2017 में पोलियो जे हिसाब सां असां ऑलमोस्ट 98% पोलियो खे या 98% जेको आहे पोलियो खे कंट्रोल करे चुका आहियूं। हिन साल जेका लेटेस्ट रिपोर्ट आहे सेप्टेम्बर 2017 जी पूरे पाकिस्तान में सिर्फ़ 5 केस रिपोर्ट थिया आहिनि, सिर्फ़ 5 केस। अच्छा। जेका असांजी रिकवरी 98% आहे। अगरि सिंध जे हिसाब सां ॻाल्हि कई वञे त सिर्फ़ 1 केस सोब कराची मां रिपोर्ट थियो आहे। जेको लास्ट केस रिपोर्ट थियो उहो अप्रैल 2015 में रिपोर्ट थियो, 16 में थियो, ऐं हींअर जेको आहे सो 1 ई केस रिपोर्ट थियो आहे। त ऑलमोस्ट 98% या 98% असां त पोलियो खे कंट्रोल करे चुका आहियूं। ऐं ईअं ई अगरि आवाम जी असां सां जेको आहे सो रहियो तव्हां वञ रहियो ऐं ईअं असांजी हेल्थ वर्कर जेके आहिनि से कमु कंदियूं रहियूं त इनशाला 2019 ते असां पोलियो खे जेको आहे कंट्रोल करे वेंदासीं ऐं इनशाला 2018 या 2019 ते पाकिस्तान पोलियो फ्री जेको आहे जेको मुल्क थी वेंदो। ठीकु आहे, इहा हिकु तमामु इम्प्रूवमेंट आहे, सुठी आहे। अगरि जेकॾहिं माज़ी जे हिसाब सां ॻाल्हि कयो वञे त तव्हांखे मां ॿुधायां त अनफॉर्चुनेटली 2014 में असां वटि 306 केस रिपोर्ट थिया पाकिस्तान में, तमामु घणा। हा बिल्कुलु, ऐं कराची जी अगरि ॻाल्हि कई वञे त 30 केसिस हुआ जेके कराची मां सिर्फ़ु 30 केस सिंध मां हुआ, जंहिंमां 23 केस सिर्फ़ु कराची जा हुआ। ऐं उहो हिन भेरे जेको आहे सो अलाह जो शुक्र आहे त सिंध मां सिर्फ़ु 1 ई केस रिपोर्ट थियो आहे ऐं तक़रीबन ऑलमोस्ट अप्रैल 2016 खां पोइ हींअर जेको 1 केस रिपोर्ट थियो आहे। इनशाला इनशाला असांजो इहो ई अलाह खां आशीर्वाद थी जेकॾहिं मुसलसल माण्हुनि जी असां सां तावन रहियो ऐं जेको सो माण्हू ईअं ई पंहिंजे ॿारनि खे कतिरा पीआरींदा रहिया त बाए 2019 में जेको 2019 में इनशाला असां पोलियो ते कंट्रोल करे वेंदासीं। सही। अच्छा डॉक्टर साहिबु, जेके ॿार आहिनि असां हुननि खे कतिरा पीआरींदा आहियूं, प्रिकॉशन्स हूंदियूं आहिनि न के हिन खे पोलियो न थिए ॿारनि खे, त असां इन करे कतिरा एहतियाती तौर ते पीआरींदा आहियूं, जिन्हनि खे थी वेंदो उन्हनि जो इलाज मुमकिन आहे? ॾिसो, हिकिड़ी सभ खां पहिरीं ॻाल्हि ॿुधायां त हिकु दफ़ो अगरि जेकॾहिं पोलियो कंहिं ॿार खे थी वियो ऐं उहो तव्हांजो ॿारु पैरालाइज़ थी वियो त दुनिया में कंहिं बि जॻह ते हुनजो इलाजु न आहे। उहो तव्हांजो ॿारु सॼी उमिरि ईअं ई पैरालाइज़ रहंदो, हुनजो टंगू जेकॾहिं कमज़ोर थी विया त उहा टंग सॼी उमिरि ईअं रहंदी। इन जे करे असां चवंदा आहियूं त ख़ुदा न ख़ासि आहे जेकॾहिं ॿारु हिकु दफ़ो पोलियो जो शिकार थी वियो, उनखे उहा बीमारी लॻी वई, त ॿारु तव्हांजो रिकवर नथो करे सघे, भले तव्हां हुन ते केतिरा लख बि ख़र्चु कयो। ठीकु आहे, इन जे करे इनजो बेस्ट एहतियात इलाजु इहो ई आहे त तव्हां एहतियात कयो। अगर ॿार खे पोलियो थींदो ई न त इनशाला तव्हांखे ॿार खे कमज़ोरी सॼी न थींदी। इन करे इहो ॿुधायो थींदो छो आहे पोलियो? पोलियो हिकु वायरल इन्फेक्शन आहे। अच्छा। पोलियो हिकु वायरस आहे जेको ख़ासि तौर ते जेको आहे सो खाइण ऐं पीअण जे करे असांखे लॻे थो। जेकॾहिं असांजो पाणी साफ़ु सुथिरो न आहे त उन मां असांखे लॻी सघे थो, असांजो खाधो पीतो सुथिरो न आहे त उन मां असांखे लॻी सघे थो, एनवायरमेंट गंदो आहे उते ॿार ज़मीन ते हथु हणी करे जेकर उहो पंहिंजे हथ में का शइ विझी करे खाईंदा त उन मां बि जेको पोलियो लॻी सघे थो। ठीकु आहे, त मेनली इहो खाइण ऐं पीअण जे करे जेको असां लॻी सघे थो। जेकर असांजो पाणी साफ़ु सुथिरो हुजे, असांजो खाधो साफ़ु सुथिरो हुजे, असांजो रहण वारो एनवायरमेंट साफ़ु सुथिरो हुजे, असां वटि सेनिटेशन जो सिस्टम जेको गटर जो सिस्टम आहे जेको उहो अगरि साफ़ु सुथिरो हुजे त इनशाला जेको आहे बीमारी न लॻंदी। सही। अच्छा, इहो मूंखे डॉक्टर साहिबु ॿुधायो कि 5 सालनि जी उमिरि ताईं जे ॿार जेके आहिनि उन्हनि खे असां पीआरींदा आहियूं कतरा जेके पोलियो जा हूंदा आहिनि, इन खां वॾा जेके ॿारनि उन्हनि खे छो न आहियूं पीआरींदा? पोइ उन्हनि में असांखे इहो डपु हूंदो की इन में अगरि वायरस आहे त उहो कीअं ओवरकम थींदो? ॾिसो, पीअण लाइ त अगरि तव्हां ॾिसो जेको हाजी भज ते वञनि था त उन्हनि खे पीआरनि था जी, अगरि आहे न उमिरि जे हिसाब सां अगरि ॾिठो वञे त उहो जेको आहे वायरस उहो को ॿिए पासे न वञे। पर मेनली जेको पोलियो हमिलो कंदो आहे उहो नंढी उमिरि जे 5 सालनि जी उमिरि ताईं ॿारनि खे जेको अटैक कंदो आहे। उनखां पोइ जेको ख़ासि क़िस्म जी कुवत मुदाफ़ित जिस्म में पैदा थी वेंदी आहे त उनखां पोइ अटैक न थींदो आहे। असां 5 सालनि ताईं ॿारनि खे प्यारे छो त पोलियो जी ख़ासि हिकु उमिरि आहे, मतिलबु नंढनि ॿारनि ते जेको वधीक अटैक कंदो आहे त उनजे करे जेको आहे उहे वधीक एक्सपोज़ हूंदा आहिनि या उन बीमारी खां वधीक जेको प्रोन हूंदा आहिनि। इन करे असां नंढनि ॿारनि खे जेको वधीक पोलियो ॾींदा आहियूं। ॼाण लाइ जेकॾहिं ख़ुदा न खासा कयो वॾनि वारनि खे बि जेको असां अप टू 5 ईयर्स ताईं पहिरियों उन खां पोइ रिकमेंड कयो छो त उनमें कुवत मुदाफ़ित अची वेंदी आहे, उनमें जेको आहे पोलियो जे ख़िलाफ़ु लड़ण जी ताक़त अची वेंदी आहे, इन करे पहिरियों। सही सही। अच्छा, इहो बि ॿुधायो की इंटीरियर साइड ते तव्हां वधीक इहे केसिस ॾिसो था या जेका एक्सटीरियर आहे या कराची जी साइड सिंध जी ॻाल्हि थी कया? ॾिसो, सिंध में जेको आहे असां ओवरऑल जेको आहे कराची में केसिस घणा था ॾिसूं। ॾिसो, कराची में इन जे करे था ॾिसूं जीअं मां तव्हांखे चयो त खाइणु पीअणु पाणी जेको आहे सो साफ़ु सुथिरो हुजे। हिते तव्हांखे ख़बर आहे त असां वटि पाणी किथो अचे, अधु गटरनि जो पाणी मिली थो अचे त उनजे करे उनखे प्रॉपर तरीक़े सां अगरि बॉइल न कयो वञे
या इत कराची में खाधो खुराक मिले तो उन हिसाब से बी गाल कराची में केस अचन की इो भी सबब आ तक पूरी खबर आतरा मूल बहर अचन था अगर खैबर पख्तूनख्वा खान या जो मूल हिजरत कर अचन पे सब अनवैक्सीनेटेड बार 2014-2015 तबर आ जंग पे हली उत कड़ा हालात हुआ उत पोलियो न पैर हों सब मूल जैसे कराची में अची रहन था इतने भी अनफॉर्चुनेटली अगर उन्होंने नो पारे वे पोलियो तो उन्हें करो तो केस जाहिर था दियन खास तौर से असो तो गडाप टाउन या सोराब गोठ अड़े जो इलाका जिते खास तौर से असा इमिग्रेंट्स बहर आयल मून उन केस जम मिलिया सही डॉक्टर साहब इनते असि गाल बोल जी अजा सवाल मोटन जी मैं पुछदम पोलियो के हवाले से इतने नाजरीन तक बुधाया कि असि जी गाल बोल है वह पोलियो के हवाले से हल पी तक भी अगर कुछ पुछण है तो तुम कॉल कर पुछी सोता जो सवाल तक है तक बुधाई के अज इंटरनेशनली वर्ल्ड पोलियो डे मल्हो पो वे इतने जो टाइम है वो एक नंढड़े ब्रेक जो है अस ब्रेक से वह वापस अच्छा तो अस गुड रहो ऐसा रहो सलाम से वेलकम बैक एक दफा बीहर तक चाहे प्रोग्राम में असि गाल बोल चुका है पोलियो के हवाले से हल पी डॉक्टर साहब से डॉक्टर साहब मैं पुछन चाहें पी कि पोलियो के रेशो बुधा केतो अस है मुख्य थोड़ा ये बुधा कि उनका उपाय छाइन अस उनका बची क्या सकूँ ये वायरस उडामी के को लग साह में साह में कोई को लग अस जैसे गड वेठा पा में तो एक पोलियो आ उड़ी कर पोलियो न लग ठीक है सो इन याद रखो तो पोलियो जो सो खाण ए पीण वाली बीमारी में लगे तो अगर तुम पानी साफ़ सुथरो तवो खाधो साफ़ सुथरो प्रॉपर तरीके से हथ धोई कर मानी था खाओ या बार जो प्रॉपर हथ धोई कर खाइन था तुम्हारा वॉशरूम साफ़ सुथरा तवो सैनिटेशन जो नालन जो गटर जो निज़ाम सुठो सुथरो तो उन्हें में जो तुम बची कर सो तो बेहतरीन तरीको यो एक तो गवर्नमेंट लेवल से तो गवर्नमेंट असा साफ़ सुथरो पानी प्रोवाइड करे गवर्नमेंट जो फर्ज आ तो सो गटर वगैरह की सफाई जगह प्रॉपर तरीके से करे रोडन रस्तन के साफ रखे ठीक है यो गवर्नमेंट लेवल से अगर असा जो पाँच शख्सी तौर से जो अस चूँ तो असा खपे तो जो अस पानी बॉइल कर इस्तेमाल क्यों प्रॉपर बार हथ जो साफ क्यों हथ वॉशरूम में वन का प्रॉपर तरीके से साबुण से हथ धोयूँ हमेशा शयन के प्रॉपर तरीके से धोई कर इस्तेमाल क्यों या जो सो खाधो हमेशा ताज़ो पकाए कर उ खाऊँ तो उन्हें सब खां अहम यह गाल असा पांजे बारन के हर मरतबा हर भेरे अगर पोलियो जा कतरा प्यारूँ तो असा इन मोजी मर्ज में इंशाल्लाह 98% असा कवर कर चुका हूँ इंशाल्लाह विद इन अ वीयर असा इन कंट्रोल कर वेंदासीं सही अच्छा यो बुधायो डॉक्टर साहब के तहांजा अवेयरनेस प्रोग्राम जेके इन उए की थिंदा इन अज जो जको डी है वो की सेलिब्रेट कबो या की मल्हायो वेंदो है दिसो एकड़ो तो सब का पर तहांजे चैनल जो थ्रू जी असा जको मीडिया जो थ्रू जको मैं प्रिंट मीडिया जके चा चो टीवी के जरिए मां तहां वटाया पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन जा काफ़ी सारा डॉक्टर जो मुख्तलिफ़ बया चैनल हर चैनल से को असो डॉक्टर जो उनके रिप्रेजेंट करे पो उन रेडियो स्टेशन से जो असा डॉक्टर वही उतरे रिप्रेजेंट कर था उनका सवा वन अस्पताल में जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल उन्हें में अस वही कर खास किस्म जहाँ लेक्चर्स वगैरह सेमिनार्स वगैरह थे उनका जो सो तालका हॉस्पिटल बेसिक हेल्थ यूनिट के लेवल से भी जो अस पोलियो डे के बारे में कंपेन पोस्टर्स रजिस्टर्स उनमें अखबार के जरिए तो जिथे जिथे असो आवाम से डायरेक्ट तलुकता तो उत अप्रोच क्यों पा ठीक है हर जगह से हर जगह का सही अच्छा यो बुधायो कि पहिरियां ये हुंदो असा मतलब काफी एड़ी बीमारियों जे खां असा डिजिंदा आयो न पोलियो उनन मा एकड़ी एड़ी बीमारी है पाकिस्तान में असा के मतलब बियो मुल्क एड़ो है पाकिस्तान जे में पोलियो बाकी है अजा ताई इने के ता समझो ता फ्यूचर में ओवरकम करे विंदा ता दिसो मा जी चयो तो जको सो 2014 में पाकिस्तान वट 306 केस हुआ जी उने का पो जको सो सजी जको अथॉरिटीज वेही करे सोचो तो भई इने के असा किया क्यों इन में सिर्फ एक मानु जो या एक तवां जो कम ना है इन में हर माँ पी जो कम बचे तो वे पांजे बारन के खणी वने करे जो तो कतरा प्यारी जेकडे के वजह जे करे था के खबर असा गरीब मुल्क हो असा को अमीर मुल्क ना हो असा वट इतरा रिसोर्सेज ना हैं जो कर असा एक जगह ते पहुंच सकू तो जेकर एकड़ो फर्ज तो पेरेंट्स जो भी है तो जेकर के वजह जे करे उनन के घर का टीम न भी पहुंची सके तो नजदीकी बेसिक हेल्थ यूनिट ते
या लेडी हेल्थ वर्कर वट वही खी कर पा वही बार पा कतरा प्यारन ठीक है। बाकी गवर्नमेंट लेवल से तक खबर आ मुख्तलिफ़ कंप्लेन थन थी टे टे वो कंप्लेन हलन थी सो उन में हजारे सो हेल्थ वर्कर्स इन भेरे ही आखिरी हिंसर थी उनमें सिर्फ सिंध की गाल क्या तो मैं 60,000 मानून उनमें हिस्सों वरत वही बार कतरा प्यारन तो कुछ गवर्नमेंट लेवल से कुछ अस मिली कर कम कर ताड़ी हमेशा बिन्हीं हथन से वजन एक हथ से न वजंद तो गवर्नमेंट पांजे तरफा कोशिश करे पई असें खे तो असें तरफा कोशिश क्यों अस हेल्थ वा जो भी डॉक्टर है स्पेशलिस्ट बार डॉक्टर असि कोशिश क्यों पे अगर इन मुसलसल कोशिश रही तो इनशाला या खुशखबरी अगे साल तक मिली तो पाकिस्तान दुनिया में बस टे मुल्क बचान पाकिस्तान उन्हें लाइन में अची अस पोलियो फ्री कंट्री थी वासी इनशाला 2019 में एक वर्ष अस पोलियो फ्री कंट्री थी वासी तो अस पोलियो जहाँ कतरा प्यारण खत्म कर छंदी और उन इंजेक्शन पोलियो जो लगान शुरू कर इंजेक्शन प्रिकॉशंस में लगाईंदा आहियूं उन्हनि खे इन करे लगाईंदा एहतियाती इंजेक्शंस जेके हूंदा आहिनि ॿारनि खे लगाया वेंदा आहिनि मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जे लाइ ईअं जी टिको असां पोलियो जो पोइ लॻाईंदासीं हा ईअं टिको लॻाईंदासीं टिको टिको बेसिकली जेको ही पोलियो जो मर्ज़ु अहिड़ो आहे जेको ही पोलियो जो वायरस जेको आहे न अगर एक कें बार के पोलियो जो वायरस जिस्म में दाखिल थे तो वो पाखाने के जरिए मुसलसल वो खारिज थो तो रहे अच्छा। माना वो जिथे भी वो जै जगह से वो तो उन्हें पाखाने के जरिए वो वायरस खारिज कर बार इन्फेक्ट कर असा बेसिकली दिठो हों कें कराची के फलाने इलाके में भाई कंपेन शुरू थी फलाने जिले में कंपेन शुरू थी मुख्तलिफ़ जगह कदें तो अस पूरे मुल्क में कदा पर कदम कदम खास एरियाज में कदा उन्हें कदम तो उतने मुख्तलिफ़ जो गटर या जो पानी जो नालियन उन सैंपल वा अगर उन्हें भी असें लगो तो इनमें तो पोलियो जो वायरस अचे पो खतरनाक हद तीन जो पोलियो जो वायरस आन मौजूद तो उन्हें में वो अस पूरी कंपेन हल्दाऊँ वही दफो कंट्रोल कर सो इन करे इन वक्त जो 2017 में थोड़ी खतरे वाली हल्की घंटी भी आब है तो कुछ जो अस पानी जहाँ सैंपल वरता या गटर में जो अस दिखो तो उनमें पोलियो जो वायरस आया बनस्बत बन साल के हिसाब से इन कर अखियो बंद कर सुमणू ना तो भाई पोलियो खत्म थो इन कर मुसलसल बार कतरा प्यारण खन हर साल कम अज कम एक बार के घट में घट 12-15 दफा जो पंजन साल की उम्र तीन कतरा प्यारण खन में जो मुकम्मल तौर से कुवत मुदाफ़त पैदा थी वे कुछ मूल चवन भाई 15 मुल्क में हर इंसान जो पाँच बिहेवियर है मौसमी असरात के करे जहाँ कुछ मुल्क जो थद आन तो उन्होंने घट डोजन से भी इम्यूनिटी अची थी कुवत मुदाफ़त अची थी वे पर अस घट में घट 12-15 दफा एक बार के या जी प्यारी वो एतो सुठा छो तो एक दफो बार जी वैक्सीन घनी प्यारी तो उको बिहार जो उन बीमार बार या जो अनवैक्सीनेटेड बार जिनके हिफाजती टीका ना लगल उनके कुवत मुदाफ़त मिली थी वे पाकिस्तान जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन जो असो वैक्सीनेशन लगाने जो प्रोग्राम उनमें जो बार पैदा थोड़ा पोलियो दींदा वरी 1.5 महीने का पोलियो पीरींदा वरी जो 2.5 महीने का वरी 3.5 महीने का यो तो जो हर इन में गैप केतरो होजे दिसो बार पैदा थे तो जी पैदा थे उनके जो अस पैदाइशी टीको जो टीबी की बीमारी का बचा उन पोलियो जो कतरा पीरींदा वरी 1.5 महीने से जैसे असा तो उनमें पोलियो जो कतरा पीरींदा उन तशन्नुज काली खांसी खूनाक गर्दन तोड़े नमूने जो टीको लगाईंदा वरी सेम यो ही जो रूल फॉलो थो 2.5 महीने पोलियो उन तशन्नुज काली खांसी खूनाक सो नमूने जो टीको लग वरी 3.5 महीने से उन्हें सो जडे भी उन्होंने घर से पोलियो की टीम अचे या जो अस मुल्क में पूरा जो हले तो प्रोग्राम उनमें पीरींदा रहन खुदा न खासा कें वजह के करे टीम न पहुंची सके तो मैं जी 12-15 दफा जो बार के पोलियो जो कतरा पीण खन तुम पा वही कें बेसिक हेल्थ यूनिट कें डॉक्टर वट कें भी जगह से पोलियो पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट उन पैसा तो ना लगन बस थोड़ा जो पाँच बार पा भी जो सजो गवर्नमेंट से डिपेंड करनी या सजो तो भई न सब कुछ अस गवर्नमेंट अच्छी घर वेठे करे ये ना असो पैसों अस पा में उनमें पार्टिसिपेट कर अस गवर्नमेंट जो हथ वंडाईंदी अस पा गड हल्दी उन्होंने कंदो कंदे में मिले हल्दी तो इनशाला
प्रोग्राम जो इते तां सफाई जी गाल कई के जेके गटर्स आहिनि उन्हनि जी असांखे स्पेशली सफ़ाई करणु घुरिजे. असां वटि कराची में त ड्रेनेज सिस्टम एतिरो ख़राबु आहे, एतिरो ख़राबु आहे, काफ़ी एरियाज़ जेके आहिनि उहे बारिश जे करे ॿुॾी पवंदा आहिनि या गटर उथली पवंदा आहिनि, इन्हनि जे करे बि इलाही सारी बीमारियूं फैलिजनि. सभ खां ख़तरनाक ॻाल्हि आहे, ठीकु आहे, इहा सभ खां ख़तरनाक ॻाल्हि आहे, छो त मेनली इस्लाम में बि आहे त सफ़ाई निस्फ़ीमान आहे, ठीकु आहे न. पंहिंजी बि सफ़ाई रखो, पंहिंजे जेको माहौल जी पसगदाई में जेके बि तव्हां उनजी बि रखो. इन जे करे असां वटि मेन चीज़ आहे त जीअं मां तव्हांखे चयो त हीउ पाखाने जे ज़रिए ॿार जॾहिं जेको स्टूल पास कंदो आहे या पाखानो कंदो आहे त उन में इहे वायरसिस मौजूदु हूंदा आहिनि, त उहे जॾहिं गटर मां या हिन मां गुज़रंदा जिथे जिथे ख़ुदा न खासा उहे वरी ॿारनि वञी उहो गटर उबलिया उते ॿारनि वञी खेॾियो, हथ लॻाया ज़मीन ते, उहे जेको वायरस सिधो हुननि जे मुंहं में वियो त आंडरनि में वेंदो ऐं उन्हनि खे पोलियो जी बीमारी थींदी. त मेन शइ आहे त ख़ुदा खां सभु पाणी असांखे साफ़ु करणु खपे. अगरि गोर्मेंट तव्हांखे प्रोवाइड नथी करे साफ़ु पाणी त तव्हां घर ॾे बॉइल पाणी करे छाणे थधो करे पोइ इस्तेमालु कयो, ठीकु आहे. हर मरतबा वॉशरूम में वापसि अचण खां पोइ ॿारनि खे हथु ज़रूरु धोआरियो, पंहिंजा हथ ज़रूरु धो, मानी पचाइण खां अॻु में जेको आहे पंहिंजा हथ ज़रूरु धोअंदा कयो, ठीकु आहे. ऐं हमेशह ताज़ो पकल खाधो खायो, ठीकु आहे, घर ॾे जेको असां ताज़ो पचाए खाईंदा आहियूं उनजे खायो, त कंहिं बि ज़रिए इहो वायरस असांजे वात जे अंदरि या मुंहं जे अंदरि या पेट जे अंदरि न वञे. उहो पाणी बि थी सघे थो, उहो असांजा गंदा हथ बि थी सघनि था, उहो खाधो ख़ुराक थी सघे थो. इन ते मेनली असांखे कंट्रोल करिणो आहे. ऐं अगरि तव्हांखे मां पासे हींअर बि जेको इंडिया जो मां मिसाल ॾियां त इंडिया में बि इहा हालति हुई त अॼुकल्ह उते जेको आहे मेनली जेको असांजो नरेंद्र मोदी आयो आहे उनजो बि त इन ते ई ज़ोर आहे न त भई वॉशरूम्स ठाहियो, वॉशरूम्स ठाहियो, वॉशरूम्स ठाहियो, त उते बि इहो ई जेको पोलियो खे कंट्रोल करण लाइ उहो बि इहे था कनि. त असांखे पब्लिक वॉशरूम्स जेके आहिनि उन्हनि जे थ्रू बि इहा शइ इलाही फैलबी हूंदी न. अगरि जेकॾहिं हुननि जे प्रॉपर तव्हांखे साफ़ु नथा रखो ऐं उन्हनि जो ड्रेनेज सिस्टम सही न आहे ऐं गटर उबलनि था, इहे डेफिनेटली यस, ठीकु आहे. पर जेकॾहिं प्रॉपर तरीक़े सां उन्हनि खे साफ़ु रखियो वञे ऐं उन्हनि जूं नालियूं जेके आहिनि ड्रेनेज सिस्टम उहो प्रॉपर तरीक़े जो हुजे त पोइ त न लॻंदो इनशाला. सही. अच्छा डॉक्टर साहिबु, इहो ॿुधायो कंहिं उमिरि जे माण्हू खे इहो वायरस हिकु उहो असर अंदाज़ करे सघे थो? कंहिंजे करे सघे थो, पर मेनली जेको आहे हुन में ॿार इफेक्टेड थींदा, ठीकु आहे. ऐं यादि कयो हिकिड़ी ॻाल्हि मां तव्हांखे ॿुधायां थी, मुसीबत अहिड़ी आहे त जेको हिकु दफ़ो ॿार खे जेकॾहिं थी वई त उहो ॿार जेको आहे पैरालाइज़ वंस थी वियो त सॼी उमिरि लाइ उहो पैरालाइज़ रहंदो. अच्छा. ऐं वरी उहो जॾहिं वञी पोड़ो थींदो त उहो वायरस वरी जेको आहे उन्हनि खे टंगुनि में सूर या वधीक कमज़ोरी बि ॾेई सघे थो, ठीकु आहे. इन जे करे चवंदा त इहा बीमारी हींअर त आहे पर पोड़ाए पताई में न थी छॾे. हिकु दफ़ो त पैरालाइज़ थी वियो सॼी उमिरि लाइ ॿारु, वरी जॾहिं पोड़ो थियो त उन में जेको आहे वधीक जेको आहे उनखे टंगुनि में जेको आहे कमज़ोरी या उहा वधीक कमज़ोरी वधी सघे थी. इन जे करे हिन खां बचण जो जेको बहितरीन तरीक़ो आहे उहो हिफ़ाज़ती जेको सो कतरा आहिनि जेके असां पोलियो जा कतरा पहिरियूं या जेको हींअर गवर्नमेंट असांजे पोलियो जा जेके इंजेक्शन्स बि शुरू कया आहिनि उहे लॻायूं. प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इलाज एहतियात खां बहितर आहे, इहो ई असांजो सभिनी खे लेसन आहे. यकीननि इहो ॾाढी बहितरीन ॻाल्हि आहे. गवर्नमेंट जॾहिं एतिरो घणो कंट्रीब्यूट करे थी, असांखे बि एतिरो कंट्रीब्यूट करणु खपे की असां मुफ़्त टिका पियारनि पिया, कतरा पियारनि पिया, टिका लॻाइनि पिया त असां पंहिंजे ॿारनि खे वठी वञी उन्हनि खे टिका लॻारायूं या उहे कतरा पहिरियूं. जी डॉक्टर साहिबु, तव्हां वटि टाइम थोरो मतिलबु घटि आहे, मूंखे ॿुधायो की तव्हांखे थोरी जल्दी तव्हां को मैसेज पंहिंजे व्यूवर्स खे या ॾिसण वारनि खे अॼु जे ॾींहुं ॾियणु चाहियो. ॾिसो पहिरीं जीअं मां आयो आहियां, असां इहा ई ॻाल्हि पिया कयूं त भई ॻाल्हि इहा आहे त जेको ताड़ी ॿिन्ही हथनि सां वॼंदी आहे, सिर्फ़ु जेको हिकु माण्हू जेको मिली करे हिन मर्ज़ खे ख़तमु नथो करे सघे. यादि रखो हीउ तमामु घणो मोज़ी मर्ज़ु आहे. हिकु दफ़ो तव्हांजे ॿारनि खे लॻी वियो, हिकु दफ़ो ख़ुदा न खासा कंहिं ॿार खे पोलियो जो मर्ज़ु लाहक़ु थी वियो त उहो सॼी उमिरि लाइ पिराइज़ रही रहंदो. ऐं हिकु ॿारु जेको हली न सघे ऐं ख़ुदा न खासा मंडो थी वञे या जेको आहे उनजो दर्द ऐं तकलीफ़ उहो ॿार पाण महसूसु करे सघे थो या उनजो ख़ानदान महसूसु करे सघे थो, ऐं उन खां पोइ वीचारे खे जेको ॻाल्हियूं सॼणियूं थियूं पवनि उहो तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे. बहितरीन तरीक़ो इहो ई आहे त तव्हां जेको आहे पंहिंजे ॿारनि खे हर मरतबा हर भेरे पोलियो जी टीमुनि खां कतरा पियारियो या पाण वञी करे जेको बेसिक हेल्थ यूनिट ते पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जे कतरनि सां गॾोगॾु बाक़ी हिफ़ाज़ती टीका जेके गोर्मेंट तव्हांखे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे थी उहे पंहिंजे ॿारनि खे टुका लॻारायो. पाणी जो ख़ासि तौर ते ख़्यालु रखो त साफ़ु सुथिरो पाणी पियो, सिंपल तव्हां पंहिंजे पाणी खे घर ॾे बॉइल करे इस्तेमालु कयो, ठीकु आहे. ॿारनि जा प्रॉपर तरीक़े सां मानी खाइण खां पहिरें हथ धोआरियो ऐं वॉशरूम में वापसि अचण खां पोइ हथ धोयो. मानी पर जेको अटो ॻोहण खां या सब्ज़ी ठाहिण खां अॻु में प्रॉपर तरीक़े सां पंहिंजा हथ धोयो, ठीकु आहे. जेतिरो साफ़ु सुथिरो रखंदव पंहिंजे पाण खे पंहिंजे ॿारनि खे इन मर्ज़ खां
हिफाज़ती टुकन सां गॾो गॾु सफ़ाई सुथराई सां हिन मर्ज़ खां तव्हां परे रही सघो था। ॾाढो तव्हां आसान लफ़्ज़नि में सम्झायो, यकीन असांजी जेका आवाम आहे उन्हनि खे सम्झ में आई हूंदी इहा ॻाल्हि। मां तव्हांजी शुक्रगुज़ार आहियां डॉक्टर साहिबु, तव्हां पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कढी असां वटि आया आहे अवेयरनेस जे लाइ। यकीननि जेके व्यूवर्स आहिनि उन्हनि बि जेको पोलियो जा प्रिकॉशन्स आहिनि उहे सिखिया हूंदा की असांखे कीअं उन खां बचणु घुरिजे। तव्हांखे ॿुधायां की ब्रेक खां बाद मां तव्हांखे ॿुधायां हिकिड़ो ॿी पर्सनैलिटी, हिकिड़ो ॿियो डॉक्टर असां सां गॾु मौजूदु हूंदो जिन सां असां मुख़्तलिफ़ जेके ॿारनि में बीमारियूं आहिनि कहिड़ियूं कहिड़ियूं आहिनि उन्हनि खे ओवरकम कींदो करे सघिजे उन ते असांजी ॻाल्हि ॿोल हलंदी। हिते जेको टाइम में नंढे ब्रेक जो थियो, असां ब्रेक ते वञूं त वापसि अचूं था। असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। भली का चवंदासीं हिकु दफ़ा ॿीहर तव्हांखे तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम ते। असांजी ॻाल्हि ॿोल जेका आहे उहा पोलियो ते हली पए। हाणे तव्हांखे ॿुधायां हिकिड़ी ॿी पर्सनैलिटी, हिकिड़े ॿिए डॉक्टर असांखे जॉइन कयो आहे हिते, जिन सां असांजी ॻाल्हि ॿोल जेका आहे उहा ॿारनि जे हवाले सां हलंदी। मां पंहिंजे प्रोग्राम में वेलकम चवंदमि डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, तव्हां ठीकु ख़ुशि आहियो? बिल्कुलु ख़ुशि आहियां इंशाल्लाह। तव्हांखे ॿुधाईंदे लाइ नाज़रीन के डॉक्टर साहिबु चाइल्ड स्पेशलिस्ट आहिनि, ॿारनि जे हवाले सां तव्हांखे के बि सवाल हुजनि त तव्हां डॉक्टर साहिब खां पुछी सघो था। डॉक्टर साहिबु, मां सोच रही हूं की हम एक गाने की तरफ चलें और हम बहुत अच्छे सिंगर हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे एक गाना सुन लें। हाँ, मतलब गाने अगर ऐसे जो बच्चों को पसंद आए और बच्चों से रिलेटेड हो, क्योंकि ये प्रोग्राम बच्चों के हवाले से कर रहे हैं तो गाने भी उसी तरह होने चाहिए, क्योंकि हमें एक बच्चों को अच्छी राह दिखानी है। हाँ, सही बात है, हमारे बच्चे हेल्दी होंगे तो हम हेल्दी होंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आशिक भाई, छा ॿुधाईंदा असांखे? बिल्कुलु मुतमिन आहियां, शायद हीउ जेको सूफ़ी नज़म आहे इन में मुहबत जो पैगाम बि मिले थो ऐं पोइ इंसान ज़ात हुजे, ॿार बि इंसान आहे, जवान बि इंसान आहे, हीउ मुहबत जो पैगाम आहे। फ़ुकरा ई काफ़ी आहे, साईं मजबूर साईं जी काफ़ी लिखियलु। ਕਾਸਿਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਤ ਸਜਣਾ ਗੁਵਨ ਸੁਣਾ, ਕਾਸਿਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਤ ਸਜਣਾ ਗੁਵਨ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਤਰ ਫੁਮਾਹੀ ਮਲਕੂ, ਮੈਂ ਤਰ ਫੁਮਾਹੀ ਮਲਕੂ, ਜੇ ਹਾਲ ਤੂੰ ਦਸਾਵੀ, ਕਾਸਿਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਤ ਸਜਣਾ ਗੁਵਨ। ਕਰਾ
ਸਿੱਧ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਜਣਾ ਪੋਵਨ ਸੁਣਾ ਸਿੱਧ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਜਣਾ ਪੋਵਨ ਸੁਣਾ ਲੰਬੜਾ ਕਿਸਾ ਹਈਤਾ ਸਿੱਧ ਦਰਦਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਲ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀਏ ਹਕੀਕਤ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀਏ ਹਕੀਕਤ ਰਸੀ ਹੋਲੇ ਵੰਜੋ ਲਾਵੀ ਸਿੱਧ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਜਣਾ ਤੂੰ ਵੰਜ ਸੁਣਾ ਸਿੱਧ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਜਣਾ ਕੋਵਨ ਸੁਣਾਵੇ ਅੱਲਾਹ ਮੇਲੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਮੇਲੇ ਮੈਂ ਪਰਦੇਸ ਨਾਲ ਇੱਕੀ ਪਲ ਇਹ ਆਸ ਤੇ ਹਾਂ ਜੀਦਾ ਇਹ ਆਸ ਤੇ ਹਾਂ ਜੀਦਾ ਮੌਲਾ ਮੇਰੀ ਪੁਜਾਵੀ ਆਖਿਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਜਣਾ ਕਵਨ ਸੁਣਾ ਆਖਿਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਜਣਾ ਕਵਨ ਸੁਣਾ ਪੁਰ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਕਿਸੀ ਮੌਤ ਆਸੀ ਮਜਬੂਰ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਕਿਸੀ ਮੌਤ ਆਸੀ ਮੁਰਸਲ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮਾਲਿਕ ਮੁਰਸਲ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮਾਲਿਕ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਦਾ ਅਧਾਵੇ ਆਸਿਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਜਣਾ ਪਵਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਮੈਂ ਤਰ ਕੁਮਾਰੀ ਮਨ ਕੁਮੈਂ ਤਰ ਕੁਮਾਰੀ ਮਨ ਕੁਮੇ ਹਾਲ ਦੇ ਸੁਣਾਵੇਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਕਲਾ ਮੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੁੱਧੀ ਇਨਸਾਨ ਕੇ ਸਕੂਨ ਪੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮਤਾ ਤਾਂ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਕਿਹੜੋ ਰਾਗ ਹੋ ਤੋ ਉਦਾਈਂਦੋ ਅਦੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਹੀ ਮਾਂਝ ਰਾਗ ਹੋਇਓ ਅੱਛਾ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜੇ ਬੁੱਧਣ ਮੇ ਫਰਤਾ ਕੂੜ ਮਿੜਈ ਕੂੜਾ ਜੀ ਕੂੜ ਮੇ ਕੁਝ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇ ਬਿਓ ਕੁਝ ਜੱਕੋ ਕੁਝ ਗਾਜੇ ਥੋ ਰੋਜ਼ੀਆ ਜੀ ਜੀ ਬਾਕੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹਿੰਨ ਫੁਕਰਾ ਹੀ ਰੰਗ ਮੇ ਹੱਕ ਹੈ ਸੱਚ ਜੋ ਪੈਗਾਮ ਆ ਸੂਫੀਅਤ ਮੇ ਜੇ ਕੋ ਹੱਕ ਜੋ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੇ ਮਨ ਮੇ ਗੱਲ ਮੇ ਨਾ ਸਹੀ ਤਾ ਚੋਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸੇ ਮੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਮੁਝੇ ਇਹ ਬਤਾਏ ਕਿ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਬੱਚੋਂ ਮੇ ਕੌਨ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਨ ਸੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਤੀ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਜੀ ਦੇਖੀਏ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੋ ਹੋਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਉਨਕੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਹਮ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤੇ ਹੈ کہ انوائرمنٹل ڈیزیز ہوتی ہیں موسمی اثرات کے حساب سے آتے ہیں حالات کے حساب سے ہوتے ہیں کچھ جینیٹکس پرابلمس ہوتے ہیں ان کے کچھ فیملی پرابلمس کے ساتھ ہوتے ہیں کچھ پاپولیشن جیسے ہوتی ہے جن میں زیادہ آبادی ہوتی ہے زیادہ لوگ ہوتے ہیں کنجکشن زیادہ پایا جاتا ہے وہ بیماریاں الگ ہوتی ہیں پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں انوائرمنٹل ڈیزیز زیادہ ہوتی ہیں انوائرمنٹل ڈیزیز کو ہم انفیکشوس ڈیزیز میں تبدیل کر دیتے ہیں جب ہم اچھے انتظامات نہیں کرتے ہیں انتظامات سے مراد ہوتی ہے کہ صفائی وغیرہ کے جو پرابلمس ہوتے ہیں
और चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द पाई जाती हैं वो इन्फेक्टेड हो जाती हैं, और उनमें सबसे बड़ी वजह ये मच्छर मक्खी वगैरह ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें, अपनी पर्सनल हाइजीन अगर आप क्लियर नहीं रखते हैं या बच्चों की जो हाइजीन साफ नहीं रखते हैं उनके बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, वॉर्म्स इन्फेस्टेशन हो जाती है उनको बच्चों को। इस तरह से ग़िज़ा की जो हमारे यहाँ बहुत ही कॉमन है, हम बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बड़े लोग जो है जो पेरेंट्स हैं वो अपनी ग़िज़ा तो बहुत अच्छी रखते हैं लेकिन बच्चों की ग़िज़ा मेंटेन नहीं रख पाते। इसकी वजह ये नहीं है कि वो बच्चों से प्यार नहीं करते बल्कि उनको अवेयरनेस नहीं है जी। मैं ये कहता हूँ मदर्स को और पेरेंट्स को कि आपको चाहिए कि फ्रीक्वेंट बेसिस पे, अगर एयरली नहीं तो हाफ एयरली, आप अपने बच्चों से मुताल्लिक डॉक्टरों के पास जाएं और काउंसलिंग करें, एडवाइजेस लें कि हमें कौन सी लाइन और कौन सी चीज़ हमें ऐसी चाहिए जिससे हम अपने बच्चों को अच्छा रख सकते हैं। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं या अमेरिकन या बाहर के कंट्रीज हैं, या ये कि हमारे यहाँ जो वो तबका जो एजुकेटेड कहलाता है, मैं समझता हूँ वो रेगुलर बेसिस पे अमल करता है, तो ये बीमारियाँ आप देखें कि जो हमारा अपर डिपार्टमेंट है, अपर तबका, उनमें नहीं पाई जाती। जितनी बीमारियाँ जो प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, जैसे सपोज वो नमोनिया हो, वो एलर्जिक हो, वो एस्थमेटिक्स हो, या वो इन्वायरमेंटल में चिकनगोनिया हो, या फिर वो टाइफाइड हो, मलेरिया हो, आप देखें ये सब एक लिमिटेड तबकों में पाई जाती हैं, हर जगह नहीं है। कराची में भी डिवीज़न है, जो अच्छे तबके हैं सफ़ेद पोश हैं वहाँ ये बीमारियाँ नहीं, वहाँ ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ हैं, दूसरी चीज़ें, एक ही जगह में ये तादाद हमारे यहाँ पाया जाता है। ये हमारी आपकी बदकिस्मती है जी। हमें होमोजीनियस बेसिस पे अमल करना चाहिए, हमारी हुकूमत हैं या फलाई इदारे हैं उनको इस तरह से अमल करना चाहिए कि सब अच्छा, बराबर हो। इंटीरियर साइड पे डॉक्टर साहब मैं माजरत आपकी बात काट रही हूँ, इंटीरियर साइड पे जो ये जो बीमारियाँ आप बता रहे हैं ये ज़्यादा पाई जाती है? बिल्कुल पाई जाती है। आप देखें, आप इंटीरियर को आप कंसेप्ट लेते ही आपके पास अजीब किस्म की पिक्चर आ जाती है कि गुर्बत होगी वहाँ पर इंफेक्शन डिजीज होंगे, न्यूट्रिशन डेफिशेंसीज होगी, और वो अजीब किस्म का नक्शा पेश कर रहा होता है। हमारे यहाँ होना ये चाहिए, हमने बाहर के मुल्कों में मैंने विजिट किया है, यूरोपियन कंट्री गया हूँ, अमेरिकन कंट्री गया हूँ, वहाँ जब हम साइड सिटी में जाते हैं, विलेजेस में जाते हैं, तो वो हमें शहर के सिविलियन से ज़्यादा एडवांस नज़र आते हैं। वहाँ ज़्यादा सफाई सुथराई है, वहाँ ज़्यादा डिपार्टमेंट बने हुए हैं, हॉस्पिटल बने हुए हैं। हमारे यहाँ समझ नहीं आता कि क्या सिस्टम है कि हम अपने शहरों को तो आबाद कर लेते हैं, हम इंटीरियर जगहों को नहीं जाते, उनको मेंटेन नहीं रखते, जिसकी वजह से हमारे वो लोग वो बच्चे, ये ज़्यादा आबादी तो हमारे इंटीरियर्स में होती है ना जी जी। वो आती है बाहर, और वो जब आते हैं तो वो हेल्थी नहीं होते ये लोग, जिसकी वजह से हमारा मुल्क जो है वो शिकार हो जाता है। अच्छा, क्यों नहीं होता? मेरे ख्याल से तो इंटीरियर साइड पे जो सब्जियां हैं वो भी ज़्यादा हेल्दी हैं, पानी भी, मेरे ख्याल से पानी का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि पानी वहाँ पे इतना साफ नहीं होता। वैसे आबो हवा के लिहाज से हम देखें, खाने पीने की चीज़ों के लिहाज से देखें तो इंटीरियर जो है हमारा थोड़ा रिच है, हमारी जो एक्सटीरियर साइड है या कराची जिसे हम कह लें, यहाँ पे खाने पीने में हमें जो हेल्दी चीज़ें हैं वो हमारे बच्चों को नहीं मिल पाती। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आपने देखिए बहुत सेंसिटिव बात करी है, अगर मैं आप बताऊं कि हमारे यहाँ इंटीरियर पे दो तबके हैं, एक तो हमारा जागीदारा निज़ाम है, वो भी इंटीरियर में ही रहते हैं, वो भी वही है, लेकिन उनमें और वो जो मज़ारे हैं बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप मज़ारों की तरफ जाएंगे, मज़ारे जो जो मजदूर हैं वहाँ के जो खेत के लियान चलाते हैं, हालांकि वही आपकी काश्तकारी करके देते हैं, लेकिन उनके बच्चे भूखे होते हैं जी। आप चीज़ें तो आप कह नहीं सही है, सब मिल जाते हैं माँ के, लेकिन वो बेचारे उन तक नहीं पहुँचती वो चीज़ें, वो उनको भारी पैसे दे के, रकम दे के उनको लेनी पड़ती हैं। हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसीज है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम इतने ज़्यादा हैं कि एक ही जगह पे दो डिफरेंट चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। तो ये वजह है कि आबादी जो होती है वो इंटीरियर वो बच्चों से बनती है, आबादी से बनती है। जागीदार निज़ाम चंद एक % पर है, आपका जो मजदूर तबका वो ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है, तो हम वहाँ से आबादी को लेते हैं, उनको हम सेलेक्ट करते हैं, तो वो जो है वो डेफिशिएंसी का शिकार है। अच्छा, उनके पास ना पानी है ना बिजली है। मैंने खुद विजिट किए हैं इलाकों में, देहातों में भी गया हूँ, हर जगह गया हूँ। बस ये कि मुश्किल होती हैं, आदमी अफसोस करके आ जाता है। आप एक बंदा या एक चीज हेल्प भी करेगा उनकी तो कितने करेगा, महीने के लिए कर लेगा, बाकी का क्या आप करेंगे? आप ये करेंगे, देखिए अगर आप अभी हमारे यहाँ अगर आप जीना सिविल और दूसरे जो हमारे सेंटर हैं तहलीसी में सेंटर हैं तो जाएंगे, सब इंटीरियर से लोग आए हुए, जमीन भरा हुआ अस्पताल है, ऐसी ऐसी बीमारियाँ आपको नजर आएंगी। थैलीसीमिया सबसे ज़्यादा हमारे इंटीरियर से आता है, समझे ना, जबकि शहर में उसकी जो है इतनी जो है पॉपुलेशन नहीं है, उसकी रेशियो नहीं है। इसी तरह क्यों हो रहा है वो, चिकनगोनिया है, टाइफाइड है, मलेरिया, ये सब हमारे इंटीरियर से आते हैं। सबसे ज़्यादा गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, नमोनिया, एस्थमेटिक, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं,
ये सब देखिए सोचने का मुकाम है कि ये सब चीज़ हमारे एक सिस्टम होना चाहिए। अगर एक अगर हम और आप यहाँ बैठे हैं और ये चार लोग बैठे हैं तो 5 रुपये हैं तो सब में डिवाइड होने चाहिए हमारे। जी, जी, जी। ये नहीं होगा कि मैं और आप 10 रुपये पर रहे हैं और ये बच्चे बेचारे जो हैं इनको खाने तक को नहीं मिल रहा और ये हमारी नाइंसाफी है, माशर्ती जो है अनजस्टमेंट है ये, तो ये नहीं होना चाहिए हमारे आपके लिए, जिसके लिए हम सब शिकार होते हैं, हमारा मूल शिकार होता है। जी जी जी। अच्छा मुझे ये भी बताएं कि आपने नमूनिया की का जिक्र किया या ऐसी बीमारियां जो एस्थमेटिक हैं वो बच्चों में पाई जाती हैं, वो क्यों पाई जाती है और ओवरकम हम उसको कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सही है। देखिए जब हम इन्वायरमेंट देखते हैं तो उनमें चंद बीमारियाँ बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, ठीक है। हम उन चीज़ों को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी उनको हम नहीं ले रहे, हम वो बीमारियाँ ले रही हैं जो जरासीम से आ रही हैं। जरासीम से जो बीमारियाँ आती हैं सबसे ज़्यादा नमूनिया का है और एस्थमा है, एलर्जिक्स है। ज़्यादातर हमारे यहाँ पोल्यूशन है, हमारे यहाँ जो गंदगी पाई जाती है, अनहाइजीनिक कंडीशन, उनमें एलर्जन पाए जाते हैं, उसमें पोलन्स हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं। ये बच्चे इनहेल कर जाते हैं, बच्चों से ये टच हो जाते हैं, छोटे बच्चे सांस के थ्रू, यानी आप हैरान होंगे इस बात को कि अभी तक तो हम यूजुअली देखते हैं बड़े बच्चे होते हैं ना, स्कूल गोइंग डिजीज जो कहलाती हैं ये, जी जी जी। ये बच्चे जा रहे हैं उनका अस्थमा हो रहा है, नमूना, लेकिन जो इन्फेंट हैं जो 4-5 दिन और हफ्ते और महीने के, उनमें एलर्जी कंडे, उनमें अस्थमा आ रहा है, उनमें नमूनिया हो रहा है, उनमें गैस्ट्रो हो रहा है, देखिए ना किस तरह से ये करेंगे। यहाँ पे ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ताकि ॿुधायो असां जी ॻाल्हि ॿोल्हि जेके उहा ॿारनि जी बीमारियुनि जे हवाले सां हले पई, पर हिते टाइम जेको हिकिड़ो नंढड़ी ब्रेक जो थियो, असां ब्रेक ते वञूं था, वापसि अचूं था, गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। भले का चवंदासीं हिकु दफ़ा ॿीहर तव्हांखे तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम में असांजी ॻाल्हि ॿोल ॿारनि में जेके डिज़ीज़ आहिनि, एस्थमेटिक जेके डिज़ीज़ आहिनि उन्हनि जे हवाले सां हले पई। डॉक्टर साहब आपने बताया कि वो इनहेल कर जाते हैं काफ़ी चीज़ें जो हैं बच्चे सांस के थ्रू, तो उसमें फिर बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं, आप उस पर बता रहे थे। जी जी जी। देखिए वो बीमारियाँ जो इनहेलेशन के थ्रू होते हैं उनके अंदर जो सबसे पहले साइनस प्रॉब्लम आते हैं, यानी पहले नाक के मसले होंगे। आप देखिए तकरीबन हर दूसरा तीसरा बच्चा छोटा इन्फेंट जो है आपके पास आता है कि नाक बंद हो जाती है, नाक बंद हो जाती है, ये प्रॉब्लम वो फर्स्ट स्टेप है जहाँ से ये क्रिएशन डेवलप होती है इसकी। हमें ये चाहिए कि जो भी इसके प्रॉब्लम इनहेलेशन, आप देखेंगे आस पास आपकी क्या चीज़ें पाई जाती हैं, अगर वो प्लांट्स हैं आपके पास है या पेट्स हैं आपके पास हैं, कुछ जानवर वगैरह पले हुए हैं, या आपके वो देखें कि आप में जो है वो डस्ट ज़्यादा पाई जा रही है या आपका जो मॉइस्चराइजेशन वहाँ ज़्यादा, इन पे गौर करना ज़रूरी है। हम बच्चे हमारे घर में होते हैं, हम बच्चों को सफाई वगैरह का थोड़ा बहुत कर, लेकिन इन्वॉल्वमेंट को तवज्जो नहीं देते। ये प्योरली जो है मोर देन 50% यानी अबाउट 60% इन्वॉल्वमेंटल कहलाती है एलर्जी, जो एस्थमा है एलर्जिक में, और 40% डिवाइड होता है जिसमें जेनेटिक है, फैमिलीज हैं और जिससे इन्फेक्शन कहलाए जाते हैं। हमें ये चाहिए कि इन्वॉल्वमेंट को अगर हम देखते हैं तो और उनको हम क्लियर कर लें, तो मैं ये समझता हूँ कि एलर्जी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो स्किन डिजीज आ जाए, साइनस के आ जाए, एस्थमा आ जाए, समझना, ये नहीं होंगे, ये एब्सोल्युटली ख़त्म हो जाएंगे। ये चीज़ें जो होंगी, पेशेंट आके जब आपसे ये पूछता है हमसे, ये कहता है कि भाई मुझे जो है इन बच्चों, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा सांस हो जाती है और हर वक्त हर 15 दिन बार और महीने में होती है, क्या इसका मुकम्मल इलाज नहीं? तो हम उससे यही कहते हैं कि इलाज बिल्कुल, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन वो जो रीजंस हैं एलर्जन है उनको भी तो आप दूर करें ना आप, हैं, और वो इन्वॉल्वमेंट के हैं या जब तक आप उनको कंसिडर नहीं करेंगे। बाद ऐसे भी होते हैं कि आप जगह तब्दील कर देते हैं, मिसाल के तौर पर कराची में अगर पोल्यूशन आपको जो है वो ज़्यादा एलर्जन उसमें आपको महसूस हो रहे हैं तो आप कराची चेंज करके आप पेशावर लाहौर जाते हैं, वो बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं बिल्कुल। वहाँ के बच्चे इधर आते हैं तो वो बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट चेंज होती है, वो चेंज कर लेते हैं। या आप फर्ज कर लें अगर आप नाज़ामाबाद में रह रहे हैं, हार्ट डिफेंस में शिफ्ट हो जाते हैं या औरंगी टाउन में शिफ्ट होते हैं, तो आप देखिए वहाँ की इन्वॉल्वमेंट डिफरेंट है, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं उधर। तो हमें ये चाहिए कि हम इन चीज़ों पर गौर करें, और ये उस वक्त होगा जब पेरेंट आप डॉक्टर से आके काउंसलिंग करेंगे, एडवाइस लेंगे अपने बच्चों से मुताल्लिक, तो इस पर हम बहुत ज़्यादा काबू पा सकते हैं। लेकिन जब ये एस्थमा हो जाता है किसी को तो उसकी अलग ट्रीटमेंट होती है, और हर जगह हर इदारे में हर डॉक्टर के पास इसका ट्रीटमेंट मौजूद होता है। बहुत से इसमें टेस्ट होते हैं, सीरोलॉजी का टेस्ट होते हैं, अगर हम उनको भी कंसिडर कर लेते हैं तो हमें आसान हो जाता है उस मस तक पहुंचने के लिए। एलर्जन आप कहते हैं कि फिर से ये लेकिन अब बहुत से टेस्ट आ गए हैं जो वो स्पेसिफिक होता है, यानी स्पेसिफिक आपको पता चल जाता है कि ये एलर्जन ये है, इसको ये पाया जाता है, इससे इसको एलर्जिक होती है, आप उसे रिमूव करें या कॉम्बैट करें उससे, तो बच्चे जो है वो रिकवर हो जाते हैं। इसी तरह बहुत सी एस्थमेटिक के प्रॉब्लम के साथ जो बड़े बच्चे आते हैं
जो उनको स्कूल गोइंग है, ये बीमारी ज्यादा स्कूल गोइंग लोगों में पाई जाती है बच्चों पास। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये कि बच्चे सुबह तो सही नॉर्मल जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ स्कूल के आसपास जो चीज़ें फरोख्त होती हैं बच्चों के खाने पीने की, वो बड़ी कंसिडरेबल है। आप उनको बहुत ज़्यादा उनको जो है कंसिडर करें, उनको देखें, उनको चेक करें, उसमें इतनी ज़्यादा एलर्जी को चीज़ें पाई जाती हैं कि हम हैरान होते हैं कि ये अलाउ कैसे हो गए, इजाज़त कैसे हो गई इन चीज़ों को इन बच्चों तक पहुँचने के लिए, जिसकी वजह से बच्चों में डेवलप बीमारी ज़्यादा डेवलप हो रही हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। यानी हम यूँ समझ लें कि हम बीमारियों को एक तरफ तो कम्बेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ खुद बढ़ा रहे हैं उनको। हमें दोनों तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मेरे माइंड में सवाल आ रहा है, ये जो चीज़ें प्रोसेस्ड फूड होते हैं या ऐसी चीज़ें जो चिप्स खा रहे होते हैं बच्चे या टॉफीज खा रहे होते हैं, इनके अंदर भी वो बीमारियाँ? देखिए, जो ब्रांडेड चीज़ें हैं उनमें तो नहीं है, जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं वो तो चेक करके आती हैं, वो बंद होती हैं, सेफ होती हैं। लेकिन जो नॉन ब्रांडेड चीज़ें, खुली जगह खुली चीज़ बिल्कुल एब्सोल्युटली मैं समझता हूँ बंद हो जानी चाहिए, पूरा भी टोटल हो जाना चाहिए। आप जहाँ भी बाहर आप देखें ना, आप थोड़ा सा बाहर निकले आप पाकिस्तान से, कहाँ मिलती हैं खुली चीज़ें? कहीं नहीं मिलती खुली चीज़ें। आप क्यों ये ओपन कर लें, हमें ठेलों पे बैठे हुए हैं छोड़े थोड़े, आपने जो अपनी दुकानें बिठाई हुई हैं बिठा दी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है इन चीज़ों को। लेकिन ठीक है, कारोबार कह रहे हैं गरीब है, गुर्बत है, हम मानते हैं गुर्बत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी नफ़े के लिए आप दूसरों को ये नुकसान पहुँचा दें। चाहे ये बच्चे प्यारे बच्चे हैं, आप सबके बच्चे, ये उनको एहसास दिलाया जाए कि जितने बच्चे आप दे रहे हैं ये आपके बच्चा भी हो सकता है, इसमें जो खाने जो आप दे रहे हैं बेच रहे हैं आपका बच्चा भी खा सकता है ये चीज़, वो भी बीमारी का शिकार हो सकता है। तो हमें चाहिए कि बहुत से लेबल है, हुकूमत के लेबल हैं, फलाई इदारे हैं हम, और जो पेरेंट जाते हैं बच्चों के स्कूलों में और वहाँ जाके जो मीटिंग्स होती हैं उनमें ये बात उठाएं, ताकि वो जो स्कूल में चीज़ें सेल हो रही हैं बच्चों को मना करें कि चीज़ें नहीं दी हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत सी बीमारी, खास तौर पे ये एलर्जन की बीमारियाँ जो हैं, गैस्ट्रो की बीमारियाँ बहुत जल्दी सेफ हो सकती हैं इन सब चीज़ों जी। गैस्ट्रो जो है बहुत आम है बच्चों में, देखिए ना वो सब चीज़ें वहीं से खाएंगे ना, ये सब चीज़ें मैं कहता हूँ कि सब हमारे मुल्क में पाई जाती हैं, इन्फेक्शियस डिजीज सब यहीं पाई जाती हैं। अगर हम थोड़ा सा कंसिडर कर लें तो मैं समझता हूँ बहुत बेहतर, यानी एक तो ये कि आपके बच्चे हेल्दी रहेंगे, ऊपर से आपका वो पूरा जहर मारा वो अमाउंट जो बच्चों की लाज माल जब वो खर्च होती है वो सेफ हो जाएगी आपकी, और हर जगह आपको बहुत खूबसूरत माहौल नजर आएगा आपको, थोड़ा सा हेल्दी इन्वायरमेंट डेवलप कर लें तो मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त। देखिए इदारे तो सब है ना काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ ना हेल्थ डिपार्टमेंट है, हर इदारा अपनी जगह काम कर रहा है, लेकिन हर इदारा आप समझ लीजिए कि कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ तनख्वाहों पर चल रहा है, वो बैठते किसान जो तनख्वाहें उनको दी जाती हैं क्या होता है। मैं कोई किसी स्पेसिफिक इदारे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वो मोहब्बत शो कर रहा हूँ बच्चों के साथ जो हमें और आपको है, हमें उनके खातिर कुछ सोचना चाहिए। अच्छा, सीजन चेंज हुआ है, इसमें कौन से वायरस हैं जो आ सकते हैं, उनसे बचा कैसे जाए ये बता दें। देखिए अभी जो अभी तक तो एक यही पर डिसाइड नहीं हुआ कि हमारे यहाँ जो मक्खी मच्छर जो आ जाते हैं ये इनसे जो बीमारियाँ हो रही हैं हम उनसे अभी तक नहीं बच सके। सबसे कॉमन मच्छर है, मक्खियों का तो अभी जिक्र ही नहीं है ना, तो मच्छरों का मच्छरों देखिए बीमारी चले आ गई है। तो मलेरिया अभी तक हो गया, मलेरिया का कोई बाकायदा ट्रीटमेंट तो मौजूद है, कोई वैक्सीन नहीं है, बच नहीं सकते हम उससे। तो अगर आप कहें कि भाई आप किसी तरह मच्छर से बचाव का कुछ तरीका कर लो, तो हमारे पास कोई तरीका नहीं, यही कि हम फ्यूमिगेशन वगैरह करा लें अपने आप को सेफ कर। और कोई इसी तरह डेंगू वायरस आ गया है, मच्छर भी डेवलप कर गया, एडवांस हो गया, हम कहते हैं ना हमारी तरक्की एडवांसमेंट हो रही है, वहाँ जो ये टेररिस्ट हैं मस्कोडो वगैरह वो भी डेवलप हो रहे हैं, एडवांसमेंट हो रहा है उनका भी। डेंगू वायरस आ गया, आपने किसी हद तक उन पर काबू पाया, अब वो आ गया चिकनगुनिया आ गया। जी जी, वो है? काफी कॉमन आजकल पाकिस्तान में चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। अब देखिए चिकनगुनिया हम क्या कहते हैं, यूजुअली प्रोनाउंसेशन था चिकनगुनिया, कोई मुर्गी वगैरह से आ गई हो। शुरू शुरू में तो चिकन वाले बेचारे जो बेचे उनके लिए प्रॉब्लम हो गई थी, जबकि इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये लफ्ज है चिकनगुनिया, CHIKUN चिकनगुनिया। अच्छा। जो ये लफ्ज है इसका मतलब ये होता है टू बिकम कंट्रॉटेड, यानी आप ये जॉइंट डिजीज से ताल्लुक रखती है। अच्छा। स्टूपिड अपीयरेंस हो जाता है, जॉइंट्स में पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, स्टूपिड पोजीशन हो जाती है, ये उससे निकला, ये अफ्रीकन वर्ड है। अच्छा। वहां से ये डेवलप हुए, तो ये कोई अभी नई बीमारी नहीं है, ये सबसे पहले अर्ली 1952 में तंजानिया में हुई थी बीमारी, अफ्रीकी कंट्री है। अच्छा, 1952 में फिर ये आउटब्रेक हुआ इसका, 60 में आया बहुत ज़्यादा, बहुत कॉमन हुआ, फिर ये पाकिस्तान यहाँ नहीं आया था ये पाकिस्तान। हमारे यहाँ जब से इमिग्रेशन होने लगी और लोग आने लगे बगैर वैक्सीनेशन के, तो ये पाकिस्तान में आनी शुरू हुई। 2006 में इंडिया में इसका बहुत बड़ा आउटब्रेक हुआ था, 15 मिलियन पीपल्स इन्वॉल्व हुए थे चिकनगुनिया में, 15 मिलियन पीपल्स। 7 में और 10 में पाकिस्तान में आया कुछ ये,
लेकिन इतना ज़्यादा अभी अब ये हमारे यहाँ जो 14 में और 15 में बहुत ज़्यादा चिकनगुनिया, ये भी मतलब कहने का ये कि ये बीमारी मच्छरों से ही होती है, मच्छरों से होती है, मच्छर ये भी अच्छा। जिस तरह से मलेरिया होता है इनोफिलिस से, इसी तरह इसके दो इनोफिलिस के दो होते हैं, एक ईडीस होती है जिप्टी कहलाती है, एक जो है चिकन, इसके दो जरासीम इसके होते हैं, बिल्कुल फीमेल इनोफिलिस के तरह जैसे मच्छर के होते हैं, वो जो है वो किसी को इन्फेक्ट करते हैं, काटते हैं जी। और यानी इंसान को काटा उन्होंने, अब ये मच्छर से नहीं फैलेगी, इंसान से फैलेगी। अच्छा, कैसे फैलेगी वो? ये अब जो जैसे फर्ज कर ले मैं और आप हैं, हमें मच्छर ने काट दिया, अब हम इन्फेक्टेड हो गए, अब हम रिजर्वायर है इन्फेक्शन के, डेंगू वायरस के या हैं या हम चिकनगुनिया के, अब कोई मच्छर ने हमें दोबारा काटा और उसी मच्छर ने जाके किसी और को काटा, अब ये कैरियर हो रहा है वेक्टर, यानी उससे मच्छर 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 ये चलेगा, मैन मैन नहीं है। अगर आपके घर में एक बंदे को चिकनगुनिया हो गया है तो आप अपने पूरे घर को सही तरीके से फ्यूमिगेशन करें, साफ सुथरा कर दें, मच्छर वहाँ ख़त्म कर दें आप, तो वेक्टर ख़त्म हो गया आपका, आप अपना इलाज करा लेंगे, आप सही हो गए, यहीं पर ख़त्म हो गया। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम इलाज करने पहुँचते हैं, पता लगा दूसरे दिन दूसरा बंदा उसी घर का एक और आ रहा है हमारे पास, वो कह रहे हैं साहब इससे लग गया, तो ये कंट्रोजियस डिजीज नहीं है ये। अच्छा, ये इंसान से नहीं फैलता, ये मच्छर है आपके घर में मौजूद है। अच्छा, ये भी हो गया, वो भी इधर पर्दे चले जाते हैं, काटने के बाद इधर उधर मच्छर खुद छुप जाता है। आप कौन एक छाने में पूरा फ्यूमिगेशन कराएं, आप एक्सपीरियंस करके देख लें, जिस घर में हुआ है आप कहेंगे, आप जाएं आप पूरा फ्यूमिगेशन कराएं, साफ सुथरा कर दें, मच्छर दूसरे को नहीं होगा, वहीं ख़त्म हो जाएगा। फिर चिकनगुनिया के साथ एक अहम बात यह है कि ये सिर्फ 2-4-5 या हार्डली 12 दिन तक रहता है बॉडी के अंदर, उसके बाद ये एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। सही, इसका असर खत्म हो जाता है, चिकनगुनिया जो वायरस आया था वो खत्म हो गया 12 अच्छा दिन के बाद। सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चले कि इस बंदे को या इस बच्चे को चिकनगुनिया? बिल्कुल सिंपल, जैसे मैंने मीनिंग बताई ना कि भी जॉइंट जॉइंट डिजीज होती है, लेकिन चूंकि ये मलेरिया से मुतालिक है या चिकनगुनिया जो मच्छर से मुतालिक है, तो इसमें फीवर आता है, फीवर हाई ग्रेड फीवर, यानी आप समझ लें कि 104-105 टेम्परेचर होगा इसको, और उसके साथ सीवियर बॉडी एक होगा, सीवियर ज्वाइंट पेन होगा, ज्वाइंट में पहले बिग ज्वाइंट्स आते हैं, नहीं है आपके एंकल्स आ गए, रिस्ट आ गए, ये पहले बिग ज्वाइंट, इसमें जो बैकेक है यानी कमर का दर्द कम होता है जी, वाइट ब्लड सेल जो हमारे हैं वो कम होने की वजह से। जी हाँ, इसमें सेल का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब क्या होता है, ये तो देखिए रिसर्च होगी और मेरी अपनी रिसर्च भी एक इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि मैं पेडियाट्रिशियन हूँ, एक अच्छे से डील करता हूँ इसके अंदर। जैसे मैंने एलर्जिक का बात की थी, मुझे लगता है कि इसमें कोई ऑटो एंटीजन डेवलप हो जाते हैं इसके अंदर, जो ज्वाइंट पे जाते हैं, जो ज्वाइंट के अगेंस्ट वर्क करते हैं। नहीं, अच्छा, ज्वाइंट के अगेंस्ट करेंगे, थोड़ा सा कुछ पार्ट किडनी पे जाते हैं, आप देखेंगे इसमें रैशेस आ जाएंगे, स्किन रैशेस डेवलप हो जाएंगे, इचिंग होगी, सूजन आ जाएगी पैरों हाथों पर, हाथ पैरों में सूजन आ रही, इसका मतलब है कि किडनी पे अटैक हुआ, लेकिन माइल्ड होता है वो खुद ही। अच्छा, ये चूंकि वायरस होता है, वायरस जितने भी होते हैं वो स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन होता है उनका, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज कहलाते हैं, यानी ये अगर आप कुछ भी नहीं करें तो ये वायरस खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, आप खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा, सवाए उस चीज के जो डैमेज हो गई है। अच्छा, उसको आपको रिपेयर करना है। सही, इस पे डॉक्टर साहब हमारी बात जो इस पे जारी रहेगी, मैं चाह रही हूँ यहाँ पे हम एक आशिक भाई से गाना सुन लें, उसके बाद हमारी और भी काफी चीजें जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ उस पे गुफ्तगु जारी रहेगी। आशिक भाई, छा बुधाई दा सके अधियाने काफी या सलाका तक बबर साहब काफी जी ताम असन जे के व्यूअर्स असन के रिसन पे उनन के ऐसा डेडिकेट करना सी गानो जी। पुछदा जात सजन, इश्क न पुछदा जात सजन, न पुछदा जोत जमाल, इश्क अलस्ती राज असल को है कुदरत दा कमाल, इश्क तेरा आया
तेरा उघाड़े लीड़ो लटड़े ते खुलियल विखरे वाला ओ लाकत को कंगाल बेल की ताइश्क अजीब दे इश्क न पुछदा जा तो यार माखी मिथिल है इश्क दार होवे या फकीर हो नहीं इश्क करें दा इश्क न पुछदा जा तो यार माखी मिथिल है इश्क दार होवे या फकीर हो नहीं इश्क करें दा इश्क न पुछदा जा तो यार व्यूवर्स उनके वो हों गो अस गुफ्तगु जो है बार डिजीज के हवाले से हल पी तस अस जुड़ी सोता फोन कॉल्स कर सोता इतने बुधा तक कि कल ट्यूनिंग वी अस लाइन्स में थोड़ा प्रॉब्लम है मे बी हाँ सॉल्व थी होने सॉर्ट आउट कर वरत हो कॉल्स कह रहो तो यकीन अस आवाज जो पहुंची वी सवाल जी क्यूरीज पहुंची वा पर इतने तक बुधा टाइम जो है नंढड़े ब्रेक जो थे ब्रेक से वो वापस गर रहो रहो सलाम से
वेलकम बैक। एक दफा बीहर तक चाहिए तुम प्रोग्राम में असि गाल बोल जो मुख्तलिफ शन हल पी बार में डिजीज कड़ी उनके ओवरकम कि असि गाल बोल हल पी डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब असि गाल बोल जो वो चिकन गुनिया जो है उन हली पे तुम उन बारे में बुधा रहा हुआ बी भी बीमारियों बार में थन्दून एस्थमेटिक गुफ्तगु कई बी कड़ी बीमारियों या उन मतलब एहतियात एहतियात क्या है आपको सिंधी समझ आ रही है डॉक्टर? बिल्कुल हाँ जी जी। असल में बीमारियां तो डिफरेंट हो गई ना, एलर्जी एस्थमा हो गई, इन्वायरमेंटल डिजीज हो गई, चिकनगुनिया हो गया। एहतियात सबकी एक ही है, हाइजीन, गुड अच्छा। हाइजीन अगर आप मुसलमान हैं तो आधा ईमान ही आपकी जो हाइजीन है सफाई है, सफाई आधा ईमान है ना। तो हमारे पास तो बीमारियाँ होनी नहीं चाहिए है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम अपने उसूलों को नज़रअंदाज कर देते हैं। आज मेरा दावा है कि अगर आप पूरे शहर को, जैसे आपका देखिए मच्छर स्टूडियो साफ सुथरा, यहाँ कोई मच्छर मक्खन नहीं है, हम कहाँ बैठे हैं, अगर हम अपने शहर को अपना समझ लें, अपने देहातों को अपना समझ लें, तो ये बीमारियाँ बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएंगी है ना। जब ये ख़त्म हो जाएंगी, शायद मुझे लगता है ऐसा है कि मलेरिया जो सबसे कॉमन डिजीज़ है जो हर घर में पाई जाती है तकरीबन, उसकी वैक्सीन, देखिए वैक्सीन सब बाहर के मुल्क वाले तैयार करते हैं, अमेरिका नहीं, और पाकिस्तान में तो कोई वैक्सीन तैयार ही नहीं होती ना ऐसी, क्योंकि हमारे यहाँ जो है जो रिसर्च का शोबा है वो ज़रा कमज़ोर पाया जाता है बाज बीमारियों के हवाले से। तो मलेरिया की वैक्सीन इसीलिए नहीं आई, तो उन्होंने कहा इस पर तो ये लोग ओवरकम कर लेंगे, लेकिन वो आज तक नहीं हुई। जब वो नहीं हुई तो उसी से डेवलपमेंट हो गया, डेंगू की कोई वैक्सीन नहीं है हमारे पास, हमारे पास चिकनगुनिया हो गया, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है हमारे पास। लेकिन जो बड़ी बीमारियाँ थी जो कभी कभी बाहर पाई जाती थी, टाइफाइड हो गया और गेस्ट हो गए, इनकी वैक्सीन पाई जाती है, नमूनिया इनकी वैक्सीन पाई जाती है हमारे पास। जो कॉमन डिजीज है तो एहतियात यही होगी कि हमें वैक्सीन साइट पर गौर करना चाहिए, सफाई आज हम कर ले तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं आएगी, यही सबसे बड़ी एहतियात है इसकी। इसके अलावा ये जो बीमारियाँ जैसे फर्ज कर लें कोई इन्फेक्टेड पर्सन आ जाता है तो आप उसको सेव करें, थोड़ा सा आइसोलेट कर देते हैं, जैसे हमने देखा डेंगू में हमने आइसोलेट कर दिया था। ये भी बता दूं मैं कि वो इतना खौफ हो गया था कि अभी लोगों से वो समझ रहे थे कि हमने इसको जल्दी से जो पर्दे में रख दें इससे कोई ये एक्सपेंड कर जाएगी, ये एक दूसरे को लग जाएगी हमारी, ऐसा नहीं था। बल्कि वो एनोफिलीज जो थी मच्छर, वही उसको काटता अच्छा, और वो काट के फिर और दूसरे को काटता तो बढ़ता। तो बजाय इसके कि हम मच्छरों को आइसोलेट करते, हमने इंसानों को कर दिया उठा के, सही है ना। तो हमारा कंसेप्ट ही अलग डिफरेंट हो जाते हैं। अगर कोई बंदा है तो उसकी देखिए तो मेरा चिकनगुनिया इसके इलाज है बाकायदा, दो चार पाँच दिन में ठीक हो जाते हैं। ये डेंगू का जो वायरस है वो भी जैसे मतलब खौफ और हिरास, हम डर जाते हैं ना, बीमारी है किसी को तो हम डर जाते हैं, इसको चिकनगुनिया हो गया नाम से ही हमें डर लगता है, फिर उससे क्या मतलब प्रिकॉशंस क्या है इसकी? देखिए ना ये कोई डेंजरस बीमारियाँ नहीं है, इससे ज्यादा डेंजर बीमारियाँ हमारे अल्सर की मौजूद है, जॉन्डिस हमारा मौजूद है, समय गैस्ट्रो के बच्चे आप चले जाए कितने डेंजरस होते हैं, वो इससे ज्यादा डेंजरस बीमारियाँ। लेकिन चूंकि ये नई होती है बीमारियाँ, ये चिकनगुनिया ये डेंगू, तो हम इससे ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं और ये समझते ही है कि हमारे यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं शायद इसका इलाज नहीं जानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम सब जो है हमारे जितनी भी टीम है डॉक्टरों की, मेरी टीम है, जो सबसे पहले जो शुरू में जब ये आए थे चिकनगुनिया आया था, हमने डील शुरू से करते हैं, और फर्स्ट डे जब हमने एक केस रिपोर्ट हुआ था हमने उसको भी डील किया था, और उसको भी हम समझ गए कि कोई नया वायरस है, लेकिन हम जो है उसको हम जो डील कर लेते हैं, ट्रीट कर लेते हैं, क्योरेबल बीमारियाँ हैं ये सारी, इसमें कोई ऐसी बीमारी नहीं है। जबकि खुश किस्मती ये है कि वायरस है, वायरस खुद ब खुद ख़त्म होता है, सेल्फ लिमिटेड डिजीज है, जितना भी आज का दुनिया में जो भी वायरस आए उनको ख़त्म नहीं, वो खुद ही ख़त्म होते हैं। हम उनके सिम्टम जो डेवलप हो जाती हैं, जो साइन डेवलप होती है, हम उनको सही करते हैं, और वो दो दिन की भी हो सकती है और बादों का वो छह माह की भी हो जाती है, उसमें वो खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा मैं इसके सिम्टम्स के बारे में भी आपसे पूछ रही थी, चिकनगुनिया के जो सिम्टम्स हैं वो कैसे पता चले? देखिए सबसे पहले फीवर आता है ना, अब फीवर एक ऐसी चीज है जो तकरीबन तमाम बीमारियों में होता है, सही ना। अच्छा अब हम वो ले लेते हैं जिसमें हाई ग्रेड फीवर होता है, यानी 104-105 पे आ गया, अब हमें सेकेंड साइन या सेकेंड सिम्टम देखनी पड़ती है कि उसमें क्या हो रहा है। अगर ज्वाइंट पेन ज्यादा हो रहा है, बिग पॉइंट है, बहुत सीवियर, और उसके स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहे हैं, जो मोड़ रहा है हाथ पर रहा, बहुत शरीर दर्द है, बैठ गया उठ गया चला नहीं जा रहा है, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबल ये है कि चिकनगुनिया है। ये इसका वायरस है जो ज्वाइंट को डिजीज को करता है, अटैक करता है और ज्वाइंट को डैमेज करता है। लेकिन अभी तक जो है कोई ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ जिसके डैमेज बिल्कुल कंप्लीट डैमेज हो गए हो, ऐसा नहीं हो गया खुदा ना खास्ता वह पाइश हो गया है या उसको कोई और अटैक हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें डेथ होती है
जरूर होती है, ये हमें हाई ग्रेड फीवर में हो जाती है। अच्छा, हाई ग्रेड फीवर या बहुत ये हुआ कि जो जिनको कुछ ऑलरेडी जॉइंट डिजीज है, जैसे अगर ओल्ड एज में हो गया, अब उनको अर्थराइटिस पहले से मौजूद है, समझे ना, तो उसको क्या होगा, ये गोनिया का जो है ये ज्यादा डैमेज करेगा, ज्यादा डैमेज करेगा, बाद अवकात बहुत ज्यादा शॉक में चला जाता है तो डेथ हो जाती है। पहले शुरू में जो था ये हाई ग्रेड फीवर से 1000 में एक डेथ हुई थी, 1000 में वन डेथ रिपोर्ट हुई थी, लेकिन अब मैं समझता हूँ वो भी जो ओवरकम हो गया, इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं होती। हाई ग्रेड फीवर जो होता है हम उस कुछ तक पहुँचे, क्योंकि हर जगह क्लिनिक है आजकल और हर जगह जो एवेलेबल मौजूद है कि जैसे ही हाई ग्रेड फीवर का बच्चा है आप उसको जो है वो सर वगीला कर दें, आप उसको कोरिस्पंज कर दें, स्प्रे सॉफ्ट लगा दें, किसी तरह दिया, जल्द से जल्द उसको काबू करें और कर लिया जाता है तो ये बच्चे सेफ हो जाते हैं, ये मरीज सेफ हो जाता है। ट्रीटमेंट बिल्कुल सिंपल है, कोई वायरस का ऐसा नहीं है कि वायरस की जैसे कोई इन्फेक्शन बैक्टीरियल होता है तो हम एंटीबायोटिक देते हैं, है? इसमें कोई एंटीबायोटिक की इतनी ज़रूरत नहीं है, ये सपोर्टिव थेरेपी हम देते हैं इनको। जो बीमारियां आ रही हैं उसके जैसे जॉइंट पेन हो रहा है, जॉइंट पेन की अच्छी कोई किलर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दे देते हैं, बुखार हो रहा है उनके तब एंटी एंटीबायोटिक को ड्रग दे देते हैं, लेकिन अच्छे ड्रग दिए जाते हैं, आम ड्रग इतना कोई काम नहीं करते, वो वक्ती तौर पर 2-4 घंटे सही करेंगे फिर अटैक कर जाएगा वो। इसी तरह अगर ब्लड की कमी हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है, आपको ग्लाइसीमिया हो रहा है या हाइपोटेंशन हो रहा है तो उसको उसके हिसाब से ट्रीट, हर मरीज में ऐसा नहीं है कि शुगर लेवल कम हो जाए, हर मरीज में ऐसा नहीं है कि बीपी बहुत कम हो जाए, हर मरीज में ऐसा नहीं है कि उसका जो है वो कॉन्शियस लेवल भी अनकॉन्शियस हो जाए जबकि टेम्परेचर भी सही है और उसका ज्वाइंट पेन भी नहीं, ऐसा नहीं है। वेरीज टू वेरीज है, आप देखें कि इनके साथ कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा कहीं, ठीक है। आप फौरी तौर पर करवाएं, डॉक्टर साहब आपके जो देखने वाले हैं आप उनको कोई मैसेज देना चाहें यहाँ पे? देखिए सबसे पहले आप ये कि फर्स्ट टाइम ये क्लियर कर लें कि अगर प्रॉब्लम कोई हो रहा है बच्चों को तो जो भी इमीडिएट हॉस्पिटल है नज़दीक आप पहले उधर लेके जाएं, और अगर फीवर हो रहा है तो उसको फीवर को आप सर पात मरों को गीला कर दें, कोई भी सिंपल गोलियां सिरप घर में मौजूद होते हैं, एक आध एंटीबायोटिक आप दे दें ताकि कोशिश ये करें कि ये बढ़ना ना पाए, आप जब तक क्लिनिक पे पहुँचते हैं आप तब तक हाई ग्रेड ना हो जाए, यही इमरजेंसी इस अरसे में हो सकती है, कोई फिट्स पड़ सकता है, कोई और प्रॉब्लम अनकॉन्शियस हो सकता है, आप उसको सेव करें। ये जितनी भी बीमारियां हैं वो अस्थमा से ले लें, आप निमोनिया से ले लें, आप चिकनगुनिया ले लें, टाइफाइड ले लें, गैस्ट्रोएंटेराइटिस ले लें, कोई भी बीमारियां हैं आप इमीडिएट जो फर्स्ट एड है वो घर में थोड़ी सी दें आप, थोड़ा सा सेंस हमारे घर में होना चाहिए, थोड़ा सा एक क्या दिए, जरूरी नहीं कि तालीम याफ्ता ही सब हो, जो बगैर तालीम है वही बात समझ लेते हैं, ठीक है ना, और वो करके फिर आप फौरी तौर पे जो है उसको ट्रांसफर करें क्लिनिक में और मैं समझता हूँ सब सेफ हो जाते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे पास आए और आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई, हमारे जो देखने वाले हैं इनको भी यकीन काफी चीजें हैं जो सीखने को मिली होंगी, हमें भी मिली हैं, और मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम में से टाइम निकाल के हमें टाइम दिया। नाज़रीन ताकि बुधा अज को जो प्रोग्राम हो वो जनरली ऐसा सोचो कि बारन जे हवाले से को प्रोग्राम किए हुए हैं, बारन जे जनरली बीमारियों फैलन पी या इन शहर में असके प्रीक्वेशंस की करण गुर्जन उनका बचाओ की गुजे उनका सॉल्यूशंस की इन असो बीमारियों ने उनके सॉल्यूशंस से गुफ्तगु जनरली हली। जो इंटरनेशनल पोलियो डे है तो पोलियो के हवाले से पहले आवर में असा कोशिश कई कि तहां तई का गाल पहुंचे अस उनका की बची सकूं था, इहा जो मैसेज है की पहुंचे उन तवसुत से जो शो हो अज वो असानी काविश इ कि तहां तई भी नॉलेज पहुंचे असा के इल्म मिले कि असा की उनन का बीमारियों जो मूजी मर्ज हैं उनका की बची सकूं था। डॉक्टर साहब असा के सुठो मैसेज दिनो कि असा सफाई जे हाइजीन असानी सुठी हुंदी कि सफाई सुठी हुंदी तो असा उन में बची सकूं था बीमारियों जो उनन का पांजे बारन के बचाए सकूं था, पांजे एनवायरमेंट जो है असा साफ सुथरी रखूं, वो बेसिक शे जो है वह सही हुंदी तो असा सेहतमंद हुंदा से असा बार सेहतमंद हुंदा। इते ताके बुधाया इख्तिताम जो टाइम पोतो इते ताके दुआ दीन सबिन के ताँ खुश रहो, आबाद रहो, सलामत रहो। असा इख्तिताम जो है वो पांजे भा आशिक भा जे गाने ते कंदासी, इते मां इहो चंदम असा के पांजी दुआउन में याद रखजो, अल्लाह हाफिज। आशिक भा तां मैसेज जो पांजो वो पांजे गाने में दियो। जी जी अदी ही फकीर दीदार हुसैन रके साहब काफी लिखेला जी जी पैगाम असा फकीर जो यो ही पैगाम आ, हर इंसान के यो पैगाम देन खपे त हक सच जो पासो वठजे जी। मैं जो डॉक्टर साहब बिल्कुल सही गालियो कयो, असा जे करे हियर डिसन था ते हते छा सफाई आ छा बस ता बिस्मिल्लाह जी करे हे साईं दीदार हुसैन रके साहब जी काफी आलम विच हाय जहार कीता इश्क अजीबां दे थे पुरब करीबां दे मिल मन विच हे जा गई मोहब मुजीबां दे थे कुर्ब करीबां दे
यार वफादार मिलदे हिल यार वफादार मिलदे हिल नाल नसीबां दे थे कुरब करीबां तेरी नजर पार करन ओ तीरे नजर पार करन नार नजीबां दे थे कुरब करीबां दे एक होवे सुनावा हिन हजारे ओ गुण हजीबां दे थे कुरब करीबां दे आखे दीदार अर्जदार आए घर करीबां दे थे कुरब करीबां दे दिल बर दिल तू मोर नला सजन दी जान तू प्यारे मोग मखन अखियां विच तस्वीर सजन दी जान तू प्यारे मोग मखन नैना विच नूर सजदा आन हकी की राह दिखायस मोते हरण दा ढंग सिखायस आन हकी की राह दिखायस मोते हरण दा ढंग सिखायस राजन ले थे रमज रलेगा राजन ले थे रमज रलेगा दिलबर दिल सुमूलन दिलबर दिल सुबह सुबह जो पखी अखेर मां उड़े थो हरी नारी रा पखे संभाले निकरे थो सर जमीन सिंध ते जिए सजो भरे थो